भाषा की पराधीनता से मुक्ति दिलाने के लिए आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आपके लिए भाई राजीव दीक्षित जी को, कि हम भाषा की पराधीनताओं से मुक्ति पा करके एक सच्चे अर्थों में भारत में संपूर्ण आजादी लाएं और फिर से इस भारत को ऋषियों का देश बनाए, क्रांतिवीरों और महापुरुषों के सपनों का देश बनाए। आपके सामने मुझे भाषा की पराधीनता के विषय पर बात करनी है। अपने भारत देश का आजादी के 63 साल के बाद ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भाषा के स्तर पर अभी तक हम स्वतंत्र नहीं हो पाए, स्वाधीन नहीं हो पाए। भाषा के स्तर पर अभी भी हमारे देश में बहुत गहरी गुलामी है और दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि आजादी के पहले ये भाषा की गुलामी जितनी थी, आजादी के 63 साल के बाद ये भाषा की गुलामी और अधिक बढ़ गई है, और अधिक गहरी हो गई है। भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया है, लेकिन अंग्रेजियत की गुलामी, भाषा की गुलामी अभी भी इस देश में बरकरार है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है, अफसोस होता है कि दुनिया में बहुत सारे देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं। दुनिया में कुल 200 देश हैं, इनमें से 71 देशों का इतिहास ऐसा है जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं और गुलामी के लंबे दौर को उन्होंने झेला है, भोगा है। हमारे बहुत सारे पड़ोसी देश हैं, अफ्रीका काफी लंबे समय तक गुलाम रहा है, मलेशिया गुलाम रहा है, मिश्र गुलाम रहा है, इंडोनेशिया गुलाम रहा है, वर्मा गुलाम रहा है, श्रीलंका गुलाम रहा है, और अगर थोड़ा दूर में चलें तो ब्राजील, मैक्सिको, चिली, कोस्टारिका, कोलंबिया, क्यूबा जैसे देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं, जापान गुलाम हुआ है, चीन गुलाम हुआ है। दुनिया में ऐसे कुल मिलाकर 71 देश हैं जो अलग अलग समय पर किसी न किसी के गुलाम हुए हैं। कोई अंग्रेजों का गुलाम हुआ, कोई फ्रांसीसियों का गुलाम हुआ, कोई डच लोगों का गुलाम हुआ जिनको हॉलैंड निवासी कहा जाता है, कोई स्पेनिश लोगों का गुलाम हुआ, कोई पुर्तगालियों का गुलाम हुआ। अलग अलग समय पर बहुत सारे देश गुलाम हुए हैं, लेकिन गुलामी के बाद उन सभी देशों ने सबसे पहले अपनी मातृभाषा को स्थापित कराया है और सबसे पहले अपनी मातृभाषा को अपनाया है, और उसके बाद वो देश आजादी की राह पर इतने आगे बढ़े और इतने तेजी से भारत से भी बहुत आगे निकल गए हैं। कई सारे देश जो आजादी में भारत से पीछे रहे, माने जिनकी आजादी भारत के बाद आई है, जैसे मैं आपको नाम लेके उदाहरण दूं, हमारा पड़ोसी देश है चीन, जिसकी आजादी हमसे 2 साल बाद आई है। हम तो 1947 में आजाद हो गए, लेकिन चीन तो 1949 में जाकर एक बड़ी क्रांति के बाद आजाद हुआ। लेकिन चीन हमसे कई गुना आगे निकल चुका है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और वैश्विक ताकत के रूप में सारी दुनिया में चीन का डंका अभी बज रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को चीन में जाकर चीन की सरकार को सलामी देनी पड़ रही है, चीन की सरकार को नमस्ते करनी पड़ रही है। कभी भी ऐसा दुनिया में नहीं हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति चीन में जाकर चीन को सलामी दे, लेकिन अभी बराक ओबामा ये कहते हैं कि सारी दुनिया में अभी ताकत के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण देश उभर रहा है वो चीन। ये चीन 1949 तक भुखमरी का शिकार था, दुनिया में सबसे पीछे गिने जाने वाले देशों में गिना जाता था। आज उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज है, समाज व्यवस्था बहुत बेहतर है, राज्य प्रशासन उनके यहाँ काफी कुछ भ्रष्टाचार से मुक्त है। थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार वहाँ होता है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे भारत में होता है। सारी दुनिया के लोग चीन का लोहा मान रहे हैं, चीन को नेता मान रहे हैं, चीन को विश्वगुरु की पदवी दी जा रही है। ये सब चीन का हो रहा है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो चीन के विद्वानों से अगर आप ये पूछेंगे कि भाई आपने मुश्किल से पिछले 60-62 साल में इतनी तरक्की कैसे कर ली है, तो वो सबके सब एक ही बात कहते हैं, एक ही जवाब देते हैं कि हमने हमारी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया है, हमने हमारी मातृभाषा को अपने जीवन में लाया है, हमने हमारी मातृभाषा को विज्ञान और तकनीकी की भाषा बनाया है, हमने हमारी मातृभाषा को पाठशाला और विश्वविद्यालय की भाषा बनाया है, हमने हमारी मातृभाषा को शोध और प्रक्रिया की भाषा बनाया है, इसलिए हम दुनिया में इतनी तेजी से आगे बढ़ पाए हैं। चीन के विद्वानों का ये कहना है
कि अगर चीन आज भी अंग्रेजी भाषा में डूबा रहता, क्योंकि आप जानते हैं चीन लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और अंग्रेजी भाषा में डूब गया। चीन के विद्वान कहते हैं कि अगर चीन अभी भी अंग्रेजियत में डूबा रहता, अंग्रेजी भाषा में डूबा रहता, तो चीन कभी भी 1947 और 1949 की स्थिति से आगे नहीं बढ़ पाता और इतना शक्तिशाली और ताकतवर देश नहीं हो पाता। हमारा पड़ोसी दूसरा देश जापान है। लंबे समय तक जापान गुलाम रहा अमरीका का, लंबे समय तक जापान गुलाम रहा है डच लोगों का, हॉलैंड वासियों का, लंबे समय तक जापान पर पुर्तगालियों ने भी राज किया है। लेकिन जापान जब आजाद हुआ इस विदेशी गुलामी से, तो जापान में भी सबसे पहला काम जो हुआ, उन्होंने अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया और अपने जीवन के हर क्षेत्र में मातृभाषा को सम्मान दिया, मातृभाषा को प्रश्रय दिया, मातृभाषा का उपयोग किया। उसमें से जापान आज दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक देशों में गिना जाने लगा है। आर्थिक ताकत जापान की इतनी बड़ी है कि अमेरिका की जो वित्तीय संस्थाएं हैं, अमेरिका के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ज्यादातर इस समय जापान के कब्जे में हैं। और अमेरिका की एक बड़ी संस्था मानी जाती है जो फिल्म बनाने वाली है, जिसको हॉलीवुड के नाम से सारी दुनिया जानती है। हॉलीवुड में फिल्में बनाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा अगर लग रहा है तो वो जापान का पैसा लग रहा है। पूरा जापान का नियंत्रण वहां पर है। अमेरिका के होटल उद्योग में, अमेरिका के मोटर उद्योग में, अमेरिका के बीमा उद्योग में, अमेरिका के वित्तीय उद्योगों में सबसे ज्यादा ताकत अगर लगी है तो जापान की। अमेरिका के बाजार में सबसे ज्यादा चीजें हैं तो वो चीन की। अमेरिका के वित्तीय ताकत में सबसे बड़ी ताकत है तो जापान की। ये दोनों देश लगभग अमेरिका के बराबर खड़े हो गए हैं। आपको याद है कि इसी जापान को अमेरिका ने तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। दो दो एटम बम गिराए गए थे 1945 में, एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर। लाखों जापानवासी उसमें मारे गए थे और देश की कमर टूट गई थी, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। लेकिन एटम बम गिरने के मात्र 65-66 वर्षों में जापान ऐसी ताकत से खड़ा हुआ है कि उनकी रीढ़ की हड्डी अब इतनी मजबूत है कि दूसरे बहुत सारे देश उनका सहारा लेकर दुनिया में चलने की कोशिश कर रहे हैं। जापान के विद्वानों से जब ये पूछा जाता है कि आपने इतनी जल्दी इतनी तेज तरक्की की है, इसका कारण क्या है, वो भी वही उत्तर देते हैं कि हमने जापान की भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बनाया, मातृभाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया, जीवन के हर क्षेत्र में जापानी को अपनाया। वो प्राथमिक स्तर का कोई विद्यालय हो और विश्वविद्यालय स्तर की कोई शिक्षा हो, हर जगह जापानी भाषा वहां चलवाई। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उनके सारे के सारे विश्वविद्यालय के संस्थान जो शोध करते हैं वो सब जापानी में काम करने लगे हैं। यही कारण है जापान के तरक्की करने का, विकास करने का। जापान के जो बड़े अर्थशास्त्री हैं वो ये कहा करते हैं कि किसी भी देश की तरक्की और विकास में सबसे बड़ा जो अनुदान होता है, सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है, वो उस देश की संकल्प शक्ति का होता है। हम लोग कई बार इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि किसी देश की तरक्की में, किसी देश के विकास में पूंजी का बहुत योगदान है, पैसे का। फिर हम यहां फंस जाते हैं आकर कि किसी देश की तरक्की में तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है। फिर हम सोचने लगते हैं कि किसी देश की विकास का और उसकी तरक्की का विदेशी कंपनियों के द्वारा मदद करना बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जापान के अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री सब इस तर्क को नकारते हैं। वो ये कहते हैं कि किसी भी देश की तरक्की और उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान होता है संकल्प शक्ति का, और वो मानते हैं कि संकल्प शक्ति मातृभाषा से ही आ सकती है। विदेशी भाषाओं में संकल्प नहीं लिए जाते और विदेशी भाषाओं के संकल्प कभी पूरे नहीं हो पाते। ये जापान की कहानी है। हम थोड़ा दूर चलें, कोई और देश की कहानी देखें, क्यूबा की कहानी देखें, ब्राजील की देखें। ब्राजील एक बहुत बड़ा देश है लैटिन अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, जो बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। हालांकि अमेरिका के नजदीक है, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी, ब्राजील अमेरिका के बिल्कुल नजदीक है। अमेरिका की सीमा से ब्राजील की सीमा लगती है, लेकिन ब्राजील देश में अमेरिका की भाषा अंग्रेजी नहीं चलती है, उनकी अपनी भाषा चलती है। लंबे समय तक ब्राजील भी गुलाम रहा है विदेशियों का, लेकिन आजादी के बाद उन्होंने भी अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया, उसका सम्मान बढ़ाया, जीवन में मातृभाषा का हर कदम पर उपयोग बढ़ाया। उसमें से ब्राजील बहुत ताकतवर होकर निकला।
दुनिया के 71 देशों की कहानी अगर आप देखेंगे तो ऐसी ही कहानी दिखाई देती है। ये तो मैंने कुछ नाम लिए जापान, चीन, ब्राजील जैसे देशों के, जो बहुत बड़े देश हैं दुनिया में, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, जिनकी आबादी बहुत बड़ी है, जिनके संसाधन बहुत हैं, जिनकी भौगोलिक सीमाएं बहुत बड़ी हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं दुनिया के छोटे छोटे देशों के, जिनकी भौगोलिक सीमाएं भारत के एक जिले से भी छोटी हैं, जिनकी आबादी भारत के एक जिले से भी कम है। भारत के सबसे छोटे जिले से भी छोटे देश दुनिया में बहुत हैं, और एक दो नहीं है, 24 हैं। एक छोटा सा देश है उसका नाम है फिनलैंड, एक छोटा देश है उसका नाम है डेनमार्क, एक छोटा सा देश है उसका नाम है नॉर्वे। ऐसे दुनिया में 24 छोटे से देश हैं जो भारत के एक एक जिले से कम हैं, जिनकी आबादी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख के आसपास की है, बहुत अधिक हो तो 30 लाख की आबादी है। हमारे देश में तो कई जिले 30 लाख से कई कई गुने बड़े हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली तो अब राज्य हो गया है, लेकिन दिल्ली जैसे कई बड़े राज्यों के बराबर के जिले हैं हमारे देश में, जिनकी आबादी करोड़ों में है। लेकिन कई देश हैं जिनकी आबादी 15, 20, 22, 50 माने 30 लाख के आसपास है। उन देशों की कहानी भी अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी कहानी भी यही है। जैसे फिनलैंड बहुत छोटा सा देश है, दुनिया के 200 देशों में सबसे छोटे देशों में उसकी गिनती होती है, मुश्किल से आबादी उनकी 30 लाख के आसपास है। इतने छोटे से देश ने एक संकल्प ले रखा है और ये संकल्प उनका 100 साल पुराना है। 100 साल पहले फिनलैंड गुलाम हो गया था और गुलामी के बाद उन्होंने आजादी पाई। आजादी के बाद उनका पहला संकल्प है जिसको 100 साल से उन्होंने टस से मस नहीं होने दिया, और वो संकल्प ये है कि हम कभी विदेशी भाषा में अपने देश में कोई काम नहीं करेंगे। फिनलैंड की सरकार चलेगी तो फिनिश भाषा में काम करेगी, फिनलैंड के विश्वविद्यालय चलेंगे तो फिनिश भाषा में काम करेंगे, फिनलैंड के बच्चों को प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतम शिक्षा दी जाएगी तो उनकी फिनिश भाषा में होगी, उनके यहाँ विज्ञान और तकनीकी का काम किया जाएगा तो फिनिश भाषा में होगा, उनके यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज चलाए जाएंगे तो फिनिश में होंगे, उनके यहाँ मेडिकल कॉलेज होंगे तो फिनिश में होंगे। छोटा सा देश फिनलैंड अपनी मातृभाषा को सीने से ऐसे चिपकाए हुए है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को छाती से चिपका कर रखती है। आसपास के देश इतना दबाव डालते रहते हैं फिनलैंड के ऊपर। अगर आप यूरोप का नक्शा देखेंगे तो फिनलैंड इंग्लैंड से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, फिनलैंड फ्रांस से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, स्पेन से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पुर्तगाल से भी ज्यादा दूर नहीं है, जर्मनी से भी ज्यादा दूर नहीं है। ये बहुत सारे बड़े देश हैं फिनलैंड के आसपास में, ये दबाव डालते रहते हैं फिनलैंड पर कि भाषा बदल दो, अंग्रेजी कर लो, भाषा के साथ साथ और भी चीजें बदल दो। लेकिन फिनलैंड के निवासी कहते हैं कि हमारी आजादी तब तक सुरक्षित है जब तक हमारी मातृभाषा सुरक्षित है। जिस दिन हमने मातृभाषा को छोड़ दिया उस दिन हमारी आजादी चली जाएगी। आप जरा कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए कि 30 लाख की आबादी का छोटा सा देश जो 24-25 बड़े देशों से चारों तरफ घिरा हुआ है, जिसके पास अपनी सेना नहीं है, जिसके पास अपनी पुलिस व्यवस्था नहीं है, वो देश टिका हुआ है, अपनी आजादी को बरकरार रखे हुए है, 100 साल से उनकी आजादी बरकरार है, कोई दूसरे देश की हिम्मत नहीं है उनके देश में हस्तक्षेप करने की, तो वो कहते हैं इसका एक ही कारण है, उनकी मातृभाषा जो इस समय उनकी राष्ट्रभाषा है। फिनलैंड के बगल में और एक छोटा सा देश है डेनमार्क, बिल्कुल छोटा सा देश है। डेनमार्क की आबादी तो मुश्किल से 22 लाख के आसपास है। भारत में तो पता नहीं 22 लाख की आबादी के कितने अधिक जिले होंगे। वो डेनमार्क की मातृभाषा जो है वो डेनिश है और उनके यहाँ सब काम डेनिश में होता है। सारी दुनिया के जो भाषा विज्ञानी है वो इस बात पर हैरानी व्यक्त करते हैं कि दुनिया में शब्दों की संख्या के अनुसार सबसे छोटी भाषा है तो वो डेनिश भाषा है, जिसमें सबसे कम शब्द हैं। अगर सबसे कम शब्दों वाली भाषा डेनिश है पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी वो डेनमार्क की राष्ट्रभाषा है, डेनमार्क के इंजीनियरिंग कॉलेज डेनिश में चलते हैं, मेडिकल कॉलेज डेनिश में चलते हैं, मैनेजमेंट के कॉलेज उनके यहाँ डेनिश में चलते हैं, और डेनमार्क के निवासियों को ये बात कहते हुए बड़ी गर्व है कि भले हमारी मातृभाषा दुनिया में सबसे कम शब्दों वाली भाषा हो, लेकिन वो हमारी मातृभाषा है और उस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। जैसे हम लोग कई बार आपस में बात करते हैं ना,
भले हमारी माँ दूसरे की माँ से कम सुंदर हो, लेकिन वो हमारी माँ है, और माँ जो है ना वो समझौते के लायक नहीं होती है। ऐसे ही डेनमार्क के निवासी इस गौरव से बात को कहते हैं, हमारी भाषा सबसे छोटी है तो क्या हुआ, हमारा देश सबसे छोटा है तो क्या हुआ, हमारा देश दुश्मनों से घिरा हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन हमने मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बना रखा है। और डेनमार्क के निवासियों के मन में इतना आत्मविश्वास है, वो ये कहते हैं कि जब तक हमारी मातृभाषा को हम सीने से चिपकाए रहेंगे, राष्ट्रभाषा बनाए रहेंगे, तब तक हमारे देश की आजादी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये छोटे छोटे देश, डेनमार्क है, इसी के नजदीक में और एक छोटा सा देश है, उसका नाम है स्वीडन, बहुत छोटा सा देश है। भारत की तुलना करेंगे तो स्वीडन भारत के किसी एक राज्य के आधे से भी कम में निपट जाएगा, सिमट जाएगा, इतना छोटा सा देश है। लेकिन स्वीडन के निवासी भी जब से आजाद हुए, एक समय स्वीडन भी गुलाम रहा विदेशियों का, लेकिन जब से स्वीडन आजाद हुआ उन्होंने स्वीडिश भाषा को मातृभाषा बनाया, और एक बार जो बनाया उससे वो पीछे नहीं हटे हैं, और लगातार सारी दुनिया में स्वीडिश भाषा की पताका वो फहराने में लगे हुए हैं। तो फिनलैंड हो, डेनमार्क हो, स्वीडन हो, इन्हीं के पड़ोस में और एक बिल्कुल छोटा सा देश है, उसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे भी एक समय गुलाम हुआ था, 100 साल पहले लगभग वो भी आजाद हो गया, लेकिन नॉर्वे के लोगों ने आजादी के बाद जो सबसे पहला काम किया वो वही कि उनकी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया। आज नॉर्वे की राष्ट्रभाषा नॉर्वेजियन है, और सारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई, बचपन से लेकर आखिरी कक्षा तक की उच्चतम पढ़ाई सब कुछ नॉर्वेजियन में होता है। तो दुनिया के छोटे छोटे देशों के उदाहरण ले लें या दुनिया के बड़े बड़े देशों के उदाहरण ले लें, सभी उदाहरणों से एक बात स्पष्ट होती है, वो ये कि जिस देश ने भी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया वो देश दुनिया में गर्व के साथ, सम्मान के साथ खड़ा है, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। अर्थव्यवस्था में कोई देश बहुत छोटा हो सकता है, अर्थव्यवस्था में कोई दूसरा देश बहुत बड़ा हो सकता है, आबादी के हिसाब से कोई देश छोटा हो सकता है, आबादी के हिसाब से कोई देश बड़ा हो सकता है, भूगोल की सीमाओं के अनुसार कोई देश बहुत छोटा है, कोई देश बहुत बड़ा है। ये सब प्रश्न बाहर हो जाते हैं जब मूल प्रश्न उनके यहाँ मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का आता है। इन सभी देशों में एक बात जो मैं देखता हूँ समान है, वो ये कि ये देश कई मामलों में भिन्न भिन्न हैं, लेकिन एक मामले में एक जैसे हैं कि इन सब देशों ने मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया, जीवन का अंग बनाया, उसको आगे बढ़ाया, लगातार बढ़ा रहे हैं, और गर्व और सम्मान के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सम्मानित स्वतंत्र देश की हैसियत पा रहे हैं। मैं अपने देश भारत की बात करता हूं। अपने देश भारत का सबसे बड़ा दुख और दुर्भाग्य ये है कि दुनिया में आबादी के अनुसार सबसे बड़ा दूसरा देश, चीन पहला देश जिसकी आबादी 140 करोड़, भारत दूसरा देश जिसकी आबादी इस समय लगभग 119 करोड़, तो दुनिया में आबादी के बाद सबसे बड़ा दूसरा देश, दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों में सबसे बड़ा देश, जितने प्राकृतिक संसाधन भारत में है वो चीन में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, यूरोप के देशों में नहीं, प्राकृतिक संसाधनों में सबसे बड़ा देश, दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टरों वाला देश, सबसे ज्यादा चिकित्सक अगर पूरी दुनिया में है तो भारत में, सबसे ज्यादा इंजीनियरों का देश अगर दुनिया में है तो वो भारत है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों का देश अगर दुनिया में है तो भारत है, सबसे बड़े किसानों का देश दुनिया में अगर कोई है तो वो भारत है, सबसे ज्यादा कुशल मजदूरों वाला देश दुनिया में अगर कोई है तो वो भारत है। माने कई मामलों में भारत दुनिया में नंबर एक पर है, एक दो मामले में नंबर दो पर है, लेकिन मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में ये देश दुनिया का सबसे फिसड्डी देश है, सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ देश है। हमसे पहले और हमसे बाद जो भी देश आजाद हुए वो सबने मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बना लिया। अपना देश आजादी के 63 साल के बाद भी इंतजार कर रहा है कि कब भारत की मातृभाषा भारत की राष्ट्रभाषा बने और कब इस देश का विकास तेजी से हो और इस देश के विकास के रास्ते दूसरों के लिए खुले। भारत अभी भी हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाया। जो भारत की 22 भाषाएं संविधान में स्वीकृत की हैं इनमें से किसी को भी राष्ट्रभाषा नहीं बना पाया। मैं तो कई बार यहां तक कहता हूं कि अंग्रेजी को हटाओ,
हिंदी को ला सकते हो तो लाओ, नहीं ला सकते हो तो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना लो, सारे झगड़े भारत के खत्म हो जाएं। काफी लंबे समय तक इस देश में संस्कृत राष्ट्रभाषा रही है और जब तक इस देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत रही है, आप माने या न माने, ये देश दुनिया में सोने की चिड़िया रहा है और सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा रहा। हमारे देश में सुवर्ण युग माना जाता है, सोने का युग माना जाता है। भारत का सबसे अच्छा समय, किसी भी इतिहासकार को पूछो, भारत का अध्ययन करने वाले भारतीय इतिहासकार से पूछो या भारत का अध्ययन करने वाले विदेशी इतिहासकारों से पूछो कि भारत का सोने का युग कब था, भारत सबसे अच्छा कब था, तो वो कहते हैं महर्षि चाणक्य के समय से लेकर सातवीं आठवीं शताब्दी तक का भारत दुनिया में सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा हुआ भारत था। शिक्षा में सबसे ऊंचा, व्यापार में सबसे ऊंचा, तकनीकी विज्ञान में सबसे ऊंचा, दर्शन शास्त्र के ग्रंथों के लिखे जाने में सबसे ऊंचा, ज्ञान के स्तर में सबसे ऊंचा, माने सारी दुनिया के इतिहासकार इस बात पर अब मानते हैं, अब विवाद समाप्त हो गया है कि महर्षि चाणक्य का जो समय रहा वहां से लेकर सातवीं आठवीं शताब्दी तक भारत पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर रहा है। कैसे रहा है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि संस्कृत उस समय देश की राष्ट्रभाषा रही, संस्कृत उस समय देश की राज्य भाषा रही, संस्कृत इस देश के लोगों के पढ़ने पढ़ाने की भाषा रही, संस्कृत इस देश में बोलने चालने की भाषा रही, संस्कृत इस देश में हर काम की भाषा रही है। विज्ञान की, तकनीकी की, विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए, चिकित्सा के लिए, सर्जरी के लिए, सब तरह के काम के लिए संस्कृत को हमारे यहाँ माध्यम बनाया गया और संस्कृत के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया गया। तो जब तक संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा राज्य भाषा रही तब तक भारत दुनिया में सिरमौर रहा, सबसे ऊंचा रहा। लेकिन जैसे जैसे भारत में संस्कृत का पराभव हुआ, जैसे जैसे संस्कृत की ऊंचाई कम होना शुरू हुई, संस्कृत का पतन शुरू हुआ, भारत का भी पराभव शुरू हुआ और भारत का भी पतन शुरू हुआ। ये कुछ संयोग नहीं है, इस पर गंभीर शोध करने की जरूरत है कि संस्कृत का पतन जैसे ही इस देश में शुरू हुआ वैसे ही विदेशियों के आक्रमण भी शुरू हो गए इस देश में। पहला विदेशी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का सातवीं शताब्दी, फिर उसके बाद महमूद गजनवी, फिर उसके बाद लंबी एक श्रृंखला तैमूर, लंग, नादिर शाह वगैरह वगैरह, अहमद शाह, अब्दाली, फिर बाबर और बाबर के परिवार के लोग, फिर उसके बाद पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर अंग्रेजों के पहले थोड़ा दिन फ्रांसीसी और स्पेनिश लोग, ये सारे के सारे विदेशी हमले भारत में उसी समय में हुए हैं जब संस्कृत हमारे देश में पतन की स्थिति में रही है, पराभव की स्थिति में रही है। संस्कृत की ऊंचाई जब तक बनी रही राष्ट्र की ऊंचाई बनी रही, संस्कृत इस देश में जब तक ऊंचाई पर रही राष्ट्र की स्वाधीनता इस देश की बची रही, स्वतंत्रता इस देश की बची रही। जैसे जैसे संस्कृत का पराभव हुआ माने ज्ञान का पराभव हुआ, संस्कृत माने ज्ञान की भाषा, तो ज्ञान के स्तर पर जब हम नीचे गिरने लगे और ज्ञान के स्तर पर नीचे उतरने लगे, हमारे ऊपर विदेशी हमले शुरू हुए और फिर परोक्ष रूप से बाद में प्रत्यक्ष रूप से हम विदेशी हमलों के शिकार हो गए और फिर गुलाम हो गए। गुलामी का एक लंबा दौर हमने देखा, अंग्रेजों की पूरी 250 साल की गुलामी देखी, फ्रांसीसियों की देखी, पुर्तगालियों की देखी, उसके पहले इस्लाम को मानने वाले शासकों की गुलामी भारत के कमोवेश एक तिहाई से आधे इलाके में हमने देखी। इस पूरे के पूरे गुलामी के दौर को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस दौर का सबसे बड़ा कारण है ज्ञान का गिरना, ज्ञान का पराभव और परोक्ष रूप से भाषा का पराभव, हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी राज्य भाषा का गिरते चले जाना, उसका समाप्त होते चले जाना और एक स्तर पर उसका बिल्कुल निष्प्राण हो जाना। और अंग्रेजों ने तो साजिश करके, षड्यंत्र करके भारत में चलने वाले 7,32,000 गुरुकुलों को, जो मूल रूप से संस्कृत में पढ़ाया करते थे और पढ़ा करते थे, जड़ से खत्म कर दिया था, बंद कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और उसी के कारण ये देश में बहुत गहरी गुलामी आ गई और उस गुलामी से आजाद होने के लिए हमने लंबा संघर्ष किया। इस देश की गुलामी के समय में आजादी का संघर्ष करने वाले जितने भी क्रांतिकारी थे, वो चाहे किसी भी नाम से इस देश में काम कर रहे हों, अगर हम नाना साहब पेशवा की बात करें तो, तांतिया टोपे की बात करें तो, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो, रानी कित्तूर चन्नम्मा की बात करें तो, राव कुंवर बहादुर सिंह की बात करें तो, भारत के किसी भी क्रांतिकारी की बात करें, वो उत्तर भारत के हों, दक्षिण भारत के हों, पूर्व के हों, पश्चिम के हों, सभी क्रांतिकारियों का ये मानना था
कि भारत की आजादी मातृभाषा से जुड़ी हुई है। जब तक हमारी मातृभाषा को सम्मान नहीं दिला पाएंगे, हम इस देश में आजादी नहीं ला पाएंगे। ये हमारे 1857 के दौर के क्रांतिकारियों का कहना था। नाना साहब पेशवा ने भारत की आजादी का एक घोषणा पत्र बनाया था। उस घोषणा पत्र का प्रथम वाक्य आप पढ़ेंगे तो आप में रोमांच पैदा हो जाएगा। नाना साहब पेशवा अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब भारत में आजादी का सूर्य उगेगा, और वो दिन वो होगा जब हम हमारी मातृभाषा में देश के सारे काम कर पाएंगे, लोगों को न्याय मातृभाषा में मिले, लोगों को शिक्षा मातृभाषा में मिले, लोगों की आम बोलचाल मातृभाषा में हो, लोगों के जीवन का हर काम मातृभाषा में हो। हाँ, ऐसा दिन दूर नहीं है, हम बहुत जल्दी देख पाएंगे। ये नाना साहब पेशवा के घोषणा पत्र का प्रथम वाक्य है। माने वो मानते हैं कि आजादी की लड़ाई जो है और लड़ी जा रही है वो मातृभाषा की नींव पर ही खड़ी होगी। अब नाना साहब पेशवा का घोषणा पत्र हो या तांतिया टोपे झांसी रानी लक्ष्मीबाई का संकल्प हो या कित्तूर चन्नम्मा का संकल्प हो या दूसरे दौर के जो आजादी के नेता माने जाते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का घोषणा पत्र आप पढ़े, उसके पहले वाक्य में लिखा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आप जानते हैं मूल रूप से मराठी भाषी थे, जन्म महाराष्ट्र में हुआ, शिक्षा मराठी में हुई, बोलचाल उनकी मराठी थी, सब कुछ वो मराठी थे, लेकिन जब राष्ट्रभाषा का सवाल आता था तो बेहिचक वो कहा करते थे, बहुत साहस से कहा करते थे कि राष्ट्रभाषा का स्थान तो सिर्फ हिंदी और हिंदी और हिंदी को ही मिल सकता है। भले मैं मराठी मातृभाषी हूँ लेकिन हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। महात्मा गांधी भी इसी तरह के वाक्य कहा करते थे। महात्मा गांधी का मूल आप जानते हैं गुजरात, उनकी मातृभाषा गुजराती, लेकिन महात्मा गांधी ने एक बार नहीं सैकड़ों बार ये कहा कि इस भारत की राष्ट्रभाषा कोई हो सकती है तो वो हिंदी ही हो सकती है, क्योंकि हिंदी ही देश की एकता को बांधने की ताकत रखती है और हिंदी में वो शक्ति है कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ा सके। ऐसे ही हमारे देश के एक महान महापुरुष महर्षि दयानंद जी की भी बात अगर आप सुनेंगे तो वो भी यही मानते थे। मूलतः महर्षि दयानंद भी गुजराती भाषी थे, गुजरात में उनका जन्म हुआ, राजकोट जिले में, पढ़ाई संस्कृत में हुई, लेकिन वो बार बार ये कहा करते थे कि पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरो सकती है तो हिंदी है, पूरे देश को एक साथ बांध सकती है तो वो हिंदी है, और भारत की राष्ट्रभाषा होने का गौरव अगर मिल सकता है तो वो हिंदी को मिल सकता है। बस उनके कहने में और दूसरों के कहने में एक ही छोटा सा अंतर था कि महर्षि दयानंद जी का आग्रह इस बात पर था कि हिंदी होनी चाहिए वो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए, शुद्ध हिंदी होनी चाहिए जो संस्कृत के ज्यादा शब्दों का उपयोग कर सके। बाकी सभी मामलों में दूसरे क्रांतिकारियों से उनके विचार मिलते जुलते थे। तो महर्षि दयानंद हों, महात्मा गांधी रहे हों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रहे हों, ये सब आप जानते हैं 1850 से 1890 के दौर के सब क्रांतिवीर थे। इसके बाद के जो क्रांतिवीर रहे जैसे महर्षि अरविंद रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, चंद्रशेखर आजाद रहे, अशफाक उल्ला रहे और हमारे देश के विनायक दामोदर सावरकर रहे, ऐसे जो तीसरे दौर के आजादी के नायक इस देश में थे, उनके लिखे हुए शब्दों को, उनके लिखे हुए लेखों को, उनके दिए गए भाषणों को आप सुनेंगे तो वो सब भी एक बात पर सहमत हैं, वो ये कि अंग्रेजी भाषा का स्थान भारत में अगर कोई ले सकता है तो वो भारत की मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी ही है, और जल्दी से जल्दी अंग्रेजी को भारत से विदा होना चाहिए और उसके स्थान पर हिंदी को राष्ट्रभाषा स्थापित किया जाना चाहिए। तो भारत के सभी दौर के क्रांतिकारियों की ये अभिलाषा रही, ये इच्छा रही कि भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो, साथ साथ में अंग्रेजी की गुलामी से भी आजाद हो और भारत की मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी इस देश में स्थापित हो। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ इस देश में? 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, अंग्रेजों से हमने आजादी ले ली या अंग्रेजों ने हमको आजादी दे दी। आजादी मिलने के थोड़े दिन पहले तक महात्मा गांधी ये कहा करते थे कि आजादी मिल गई जिस दिन, महात्मा गांधी लगभग 6 महीने पहले जून 1946 में ये बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आजादी मिलने के सिर्फ 6 महीने भारतवासी इंतजार करें,
पूरे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाएगी और सरकार के कामकाज की भाषा हिंदी हो जाएगी, संसद और विधानसभाओं की भाषा हिंदी हो जाएगी। और महात्मा गांधी ने इतनी कड़ी बात कही थी कि जो संसद में बोलने वाला सांसद हिंदी में बात नहीं करेगा, जो विधानसभाओं में बोलने वाला विधायक हिंदी में बात नहीं करेगा, तो महात्मा गांधी कहा करते थे कि मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो उनके खिलाफ आंदोलन करूंगा और अंग्रेजी में बोलने वालों को जेल में भिजवाऊंगा। इतने कड़े शब्द उन्होंने बोले थे। वो कहा करते थे कि आजादी के बाद भारत का कोई सांसद और विधायक अंग्रेजी में बात करे, इससे बड़ा भारत का अपमान कोई दूसरा नहीं हो सकता, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि भारत का कोई सांसद और विधायक अंग्रेजी में बात करे। एक बार इससे भी ज्यादा कड़ी बात गांधी जी ने कही। गांधी जी ने कहा कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए। जैसे अपने भारत स्वाभिमान का स्पष्ट उद्घोष वाक्य है कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, परम पूजनीय स्वामी जी ने जैसे घोषणा कर रखी है कि सत्ता और सिंहासन और प्रतिष्ठा से उनका कोई मोह नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए ये भारत स्वाभिमान नहीं है, ऐसे ही महात्मा गांधी कहा करते थे कि उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। लेकिन गांधी जी कहा करते थे कि एक चीज तो मुझे चाहिए और उसके लिए मैं मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा, वो अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान चाहिए, राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा चाहिए, इसके लिए तो मैं अपना बलिदान करने को तैयार। एक दिन गांधी जी ने इससे भी ज्यादा आगे बोल दिया। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के बाद अगर सरकार ने अंग्रेजी को नहीं हटाया तो मेरी जगह भारत सरकार की जेल में होगी और मैं भारत सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करूंगा। इतने ज्यादा आग्रही थे वो मातृभाषा के। और एक दिन गांधी जी ने यहां तक कहा कि भारत में आजादी मिलने के बाद अगर भारत का साधारण आदमी, साधारण नागरिक कोई भी बात को अपनी मातृभाषा में कहे और सरकार उसकी व्यवस्था ना कर पाए तो वो सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कि आम आदमी, साधारण आदमी की भाषा को समझने की हमारी सरकार की तैयारी और हैसियत नहीं। इतने कड़े वाक्य। एक दिन गांधी जी ने कहा कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दिल में एक बात आती है बार बार कि मैं एक दिन के लिए भारत का शासक बन जाऊं, एक दिन के लिए। वो कहते थे 24 घंटे के लिए मेरे हाथ में भारत की सत्ता सौंप दो, मैं भारत का शासक बन जाऊं, और ऐसा शासक बनूं जो 25वें घंटे इस्तीफा दे दूं, तो 24 घंटे में मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा। तो गांधी जी ने कहा सबसे पहला काम हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाऊंगा। फिर किसी ने कहा दूसरा काम क्या करेंगे, तो कहने लगे पूरे देश से शराब की दुकानें बंद कराऊंगा, शराब का उत्पादन बंद कराऊंगा। फिर किसी ने पूछा बापूजी तीसरा काम आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि पूरे देश से जो गोहत्या का कलंक लगा है देश के माथे पर, इस गोहत्या को बंद कराने का कानून संसद में पारित कराऊंगा। तो गांधी जी वैसे कहते थे कि सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन एक दिन की सत्ता वो मांगते थे कि मुझे एक दिन का राजा बना दो। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा तो बनाकर, शराबबंदी का कानून बनाकर, गोहत्या का कानून बनाकर, पूरे देश की सत्ता व्यवस्था से इस्तीफा देकर मैं चुपचाप निकल जाऊंगा। एक ही दिन के लिए वो चाहते थे देश का शासक होना। अब आप सोचिए कि महात्मा गांधी, जिनके मन में इतनी तीव्रता थी राष्ट्रभाषा को लेकर, उनके परम शिष्यों के हाथ में जब इस देश की सत्ता आई तो उन्होंने महात्मा गांधी से बिल्कुल उल्टे स्वर में बोलना शुरू किया। जब उनके परम शिष्यों के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने कहना शुरू किया कि भारत में अंग्रेजी के बिना कोई काम नहीं चल सकता, भारत में विज्ञान और तकनीकी को आगे बढ़ाना हो तो अंग्रेजी के बिना ये संभव नहीं हो सकता, भारत का विकास करना है तो अंग्रेजी के बिना ये संभव नहीं हो सकता, भारत को विश्व के मानचित्र पर स्थापित कराना है तो अंग्रेजी के बिना ये नहीं हो सकता, यूरोप और अमेरिका जैसा भारत को बनाना है तो ये अंग्रेजी के बिना नहीं हो सकता, अंग्रेजी विश्व की भाषा है, अंग्रेजी वैज्ञानिक भाषा है, अंग्रेजी समृद्धशाली भाषा है, अंग्रेजी सारी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित भाषा है। इस तरह के तर्क संसद में देना शुरू किया गया, संसद के बाहर इस तरह के तर्क दिए जाने लगे, और अंत में हुआ ये
कि महात्मा गांधी का सपना महात्मा गांधी के जाने के बाद इस देश में अभी तक अधूरा है। हिंदी राष्ट्रभाषा बन नहीं पाई है, अंग्रेजी इस देश की राष्ट्रभाषा की तरह से स्थापित है और सारे देश में अंग्रेजियत का बोलबाला है। भारत शासन की व्यवस्था अंग्रेजी में चलती है, भारत के न्यायालयों में झगड़े और फैसले सुलटाने के लिए अंग्रेजी में काम होता है, पक्ष और विपक्ष में बहस की जाती है, दलील की जाती है, वो अंग्रेजी में है। भारत के चिकित्सक मरीजों को जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं उनको लिख कर देते हैं कागज की पुर्जी, वो अंग्रेजी में होती है। मरीज जो दवाएं खरीदते हैं बाजार से वो अंग्रेजी में होती हैं। हमारे देश के प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को डंडे मार मार के अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाता है, अगर वो अंग्रेजी में ना पढ़ना चाहें तो जबरदस्ती उनको पढ़ाया जाता है, बेचारे उसमें फेल होते रहते हैं या सफल होते रहते हैं वो अलग कहानी है। हमारे शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों में अंग्रेजी है, हमारे शीर्ष कृषि शोध संस्थानों में अंग्रेजी है, हमारे देश के नीचे से लेकर ऊपर के हर स्तर पर अंग्रेजी 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 है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, शहीदों की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी, बलिदान देने वालों की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी, आजादी के आंदोलन की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी, आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी, फिर आजादी के बाद ही अंग्रेजी स्थापित कैसे हुई और इतना गहराई से कैसे आगे बढ़ गई, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। मुझे तो कई बार लगता है कि वो एक षड्यंत्र है, साजिश है, और वो षड्यंत्र और साजिश ये है कि भारत भले अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाए लेकिन अंग्रेजी की गुलामी में भारत फंसा रहना चाहिए और अंग्रेजियत की गुलामी में भी फंसा रहना चाहिए। वो षड्यंत्र क्या हुआ, हमारे देश के संविधान में एक अनुच्छेद लिखा गया। हमारे देश का संविधान आप जानते हैं 1947 की आजादी मिलने के थोड़े दिन के बाद से लिखना शुरू हुआ, 1950 में संविधान पूरा लिखा गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान इस देश में लागू हुआ, तो संविधान में एक अनुच्छेद लिखा गया उसका नंबर है 343। अनुच्छेद नंबर 343 में लिखा गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी इस देश में यूनियन माने संघ सरकार की भाषा के रूप में काम करेगी और राज्य सरकारें भी चाहें तो अंग्रेजी में काम कर सकेंगी। संविधान लागू होने के 15 वर्ष के बाद माने सन 1965 में, संविधान लागू हुआ 1950 में, इसके 15 वर्ष तक तो अंग्रेजी रहेगी, फिर 1965 से अंग्रेजी को हटाने की बात की जाएगी और इस अंग्रेजी को हटाने के लिए संसद की एक समिति बनाई जाएगी। वो संसदीय समिति जिस तरह का विचार रखेगी उस विचार पर राष्ट्रपति फिर विचार करेंगे और राष्ट्रपति की अनुशंसा से संसद में एक विधेयक पारित किया जाएगा और उस विधेयक को पारित करके अंग्रेजी को भारत से हटा दिया जाएगा, उसके स्थान पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ये हमारे संविधान में लिखा गया, लेकिन ये जो लिखा गया वो अनुच्छेद 343 में लिखा गया। उस अनुच्छेद 343 का जो पैराग्राफ एक है उसमें ये बात है, दो नंबर और तीन नंबर को जब पढ़ें तो उसमें बिल्कुल उल्टी बात है। तीसरे पैराग्राफ में उल्टी बात लिखी गई और तीसरे पैराग्राफ में ये लिखा गया कि भारत के जो राज्य हैं, विभिन्न राज्य हैं, अगर कोई राज्य विरोध करेगा तो फिर अंग्रेजी को नहीं हटाया जाएगा। माने अंग्रेजी हटाने का विरोध करेगा कोई राज्य, हिंदी को स्थापित करने के समर्थन में कोई राज्य होगा तो फिर नहीं हटाया जाएगा। फिर इसी के आगे एक अनुच्छेद 348 लिखा गया संविधान में और उस अनुच्छेद में ये लिख दिया गया कि भारत में भले ही हिंदी आम बोलचाल की भाषा रहे, भारत में भले ही अन्य चीजों में हिंदी का प्रयोग होता रहे, लेकिन उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और कानून के स्तर पर तो अंग्रेजी ही प्रामाणिक भाषा रहेगी। यह अनुच्छेद 348 में लिख दिया गया। एक जगह लिख रहे हैं कि 15 साल बाद हिंदी आ जाएगी और भारतीय भाषाएं आ जाएंगी, एक जगह लिख रहे हैं कि नहीं उसके लिए राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी, फिर 348 में कह दिया कि नहीं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में तो हिंदी के प्रश्न ही नहीं उठेंगे, वहां तो अंग्रेजी में ही काम चलेगा, कानून की भाषा अंग्रेजी, पक्ष की बहस अंग्रेजी में, विपक्ष की बहस अंग्रेजी में और फैसले सारे अंग्रेजी में। मतलब सीधा सा ये है कि एक जगह हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात दिखाकर दूसरी जगह से बिल्कुल जड़ काट दी गई हिंदी की।
और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद संसद की एक समिति बनाई गई। 1955 में वो समिति स्थापित हुई। उस समिति से कहा गया कि आप रिपोर्ट दीजिए। समिति ने ये कह दिया कि अभी भारत में अंग्रेजी को हटाने का अनुकूल समय नहीं आया है। जब तक अनुकूल समय नहीं आता अंग्रेजी को हटाने का, तब तक प्रतीक्षा की जाए। तो 1955 की संसदीय समिति ने ऐसी रिपोर्ट दे दी तो राष्ट्रपति ने कहा कि अभी अंग्रेजी को हटाने की बात नहीं है। फिर उसके बाद एक दूसरी समिति बनी, उनकी भी रिपोर्ट इसी तरह से आई। और उसके बाद 1963 में संसद में बड़ी भयंकर बहस हुई इस पर कि अंग्रेजी हटाओ और हिंदी लाओ, अंग्रेजी हटाओ और भारतीय भाषाओं को लाओ। ये बहस में भी अंत में यही हुआ कि अंग्रेजी को अभी थोड़े दिन तक रखा जाए। फिर जब 1965 का समय पूरा हो गया और 15 साल की अवधि समाप्त हो गई तो भारत की राजभाषा हिंदी बने और राष्ट्रभाषा भी हिंदी बने, इस पर जब बात शुरू हुई तो दक्षिण भारत में दंगे शुरू हो गए। और दक्षिण भारत में जो दंगे शुरू हुए, भारत सरकार की खुफिया विभाग की रिपोर्ट बताती है कि वो दंगे अपने आप नहीं हुए, कराए गए उन नेताओं के द्वारा, भड़काए गए जो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी इस देश में से हटे। तो सरकार को मौका मिल गया ये कहने का कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के नाम पर अगर दंगे हो रहे हैं तो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता, अंग्रेजी को ही बरकरार रखना पड़ेगा। और 1967 में विधेयक पास कर दिया गया। फिर 1968 में उस विधेयक में एक संशोधन कर दिया गया और वो संशोधन इस समय हमारे लिए फांसी के फंदे जैसा है, भारत की राष्ट्रभाषा के लिए, भारत की मातृभाषाओं के लिए। उस संशोधन में लिखा यह गया कि भारत के जितने राज्य हैं इनमें से एक राज्य भी अगर अंग्रेजी का समर्थन करेगा तो भारत में अंग्रेजी ही लागू रहेगी। भारत में इस समय 33 राज्य हैं और 33 राज्यों में से एक राज्य भी अगर ये कहता है कि अंग्रेजी होनी ही चाहिए तो पूरे भारत में अंग्रेजी रहेगी। जब तक वो राज्य ये नहीं कहता कि अंग्रेजी हटा देनी चाहिए तब तक भारत से अंग्रेजी नहीं हटाई जाएगी। ऐसा संशोधन करके कानून बन गया। अब यही कानून है जो भारत में हिंदी के गले में फांसी के फंदे जैसा लटका हुआ है। ये हमारे देश की स्थिति है। अब ये स्थिति संसद ने बनाई है, ये स्थिति संविधान ने बनाई है, ये स्थिति कानून ने बनाई है। आप जानते हैं संसद को चलाने वाले नेता होते हैं, आपको मालूम है संविधान बनाने वाले भी नेता ही थे और आपको मालूम है विधायिकाओं को चलाने वाले भी नेता ही हैं। तो भारत में कुछ नेता जो आजादी के बाद से लगातार इस षड्यंत्र में लगे रहे हैं कि अंग्रेजी हटनी नहीं चाहिए भारत से क्योंकि उनकी सत्ता वहां से हट जाएगी, दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि अंग्रेजी जानने वाले 1 करोड़ से भी कम है इस देश में, लेकिन उनकी सत्ता इस देश पर काबिज है और व्यवस्था में वो पूरी तरह से हावी है, इसलिए अंग्रेजी हटने नहीं पा रही है। अब जब तक ये लोग व्यवस्था पर हावी रहेंगे और जब तक ये सत्ता को अपने हाथ में रखेंगे, शायद मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी का स्थान कोई बदलेगा और हिंदी और भारतीय भाषाओं का स्थान कुछ बेहतर हो पाएगा। तो भारत स्वाभिमान की तरफ से सारे देश में हमें ये प्रयास करना है कि अंग्रेजी जानने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी पढ़ने वाले और अंग्रेजी में आचार व्यवहार करने वाले लोगों के हाथ से सत्ता छीननी पड़ेगी और भारतीय भाषाओं के जानने वालों के हाथ में वो सत्ता देनी पड़ेगी, तभी जाकर अंग्रेजी और अंग्रेजियत का इस देश से सर्वनाश होगा और भारत की भाषाओं के लिए रास्ता खुलेगा। ये तो शायद हमें आज नहीं तो कल करना पड़ जाएगा। मेरे मन में एक बात है जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ। ये अंग्रेजी के समर्थन में तर्क देने वाले जो नेता हैं और अंग्रेजी को भारत में बनाकर रखने वाले जो नेता हैं, ये मूलतः 4 तर्क देते हैं। पहला तर्क देते हैं कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है पूरी दुनिया में। दूसरा तर्क देते हैं अंग्रेजी विश्व भाषा है पूरी दुनिया में। तीसरा तर्क देते हैं अंग्रेजी विज्ञान की और तकनीकी की भाषा है पूरी दुनिया में। और चौथा और आखिरी तर्क उनका होता है कि अंग्रेजी सबसे ज्यादा समृद्धशाली भाषा है पूरी दुनिया में। तो अंग्रेजी भारत में रहनी चाहिए क्योंकि अंग्रेजी विश्व भाषा है, सारी दुनिया से हमें व्यवहार करना है तो अंग्रेजी के माध्यम से संभव है।
अंग्रेजी भारत में रहनी चाहिए क्योंकि अंग्रेजी समृद्धशाली भाषा है, अंग्रेजी भारत में रहनी चाहिए क्योंकि विज्ञान और तकनीकी की भाषा है, और अंग्रेजी भारत में रहनी चाहिए क्योंकि सभ्य लोगों की, उच्च शिक्षित लोगों की भाषा अंग्रेजी है। इन तर्कों के आधार पर अंग्रेजी का बचाव किया जाता है और हिंदी और भारतीय भाषाओं को गाली दी जाती है। इन चारों तर्कों को मैं आपके दिल दिमाग में बिठाना चाहता हूं। अंग्रेजी की वास्तव में पूरी दुनिया में क्या हैसियत है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सारी दुनिया के बारे में जो अंग्रेजी का भ्रम है ना विश्व भाषा होने का, इसी तर्क से मैं मेरी बात शुरू करता हूं कि क्या अंग्रेजी विश्व भाषा है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह से है। इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करें, इसको सरल तरीके से समझने की कोशिश करें। 200 देश हैं पूरी दुनिया में और लगभग 650 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में। अब 650 करोड़ की आबादी है, 200 पूरी दुनिया में देश हैं, तो अंग्रेजी की स्थिति क्या है उसमें? 200 देशों में से मात्र 11 देश हैं जहां अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी पढ़ी जाती है, अंग्रेजी समझी जाती है और अंग्रेजी में काम होता है। इसका मतलब दुनिया के सिर्फ 5% देशों में ही अंग्रेजी है, 95% देशों में अंग्रेजी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो विश्व भाषा कैसे हो गई? आबादी के हिसाब से बात करें तो अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने वालों की आबादी पूरी दुनिया में मात्र 30 करोड़ है और दुनिया की आबादी लगभग 650 करोड़ है। अब 650 करोड़ की आबादी में सिर्फ 30 करोड़ लोग अंग्रेजी जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं और अंग्रेजी में बात करते हैं, सीखते वगैरह वगैरह। तो अगर 30 करोड़ लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो अंग्रेजी विश्व भाषा कैसे हो गई? ये तो पूरी दुनिया के लगभग 4% लोगों की ही भाषा हुई। आबादी के हिसाब से दुनिया के 4% और देशों की संख्या के हिसाब से दुनिया के 5%। तो 5% देशों में अंग्रेजी है, 4% लोग अंग्रेजी जानते, बोलते, समझते हैं, तो 96% लोग तो ना अंग्रेजी बोलते हैं, ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना अंग्रेजी में काम करते हैं। तो अंग्रेजी विश्व भाषा कैसे हुई? आप सोचिए, अगर विश्व भाषा का दर्जा किसी को मिल सकता है तो वो चाइनीज भाषा को मिल सकता है और दूसरे नंबर पर हिंदी को ही मिल सकता है। आप बोलेंगे क्यों? दुनिया में 650 करोड़ की आबादी है जो, उसमें से 140 करोड़ लोग चाइनीज बोलते हैं, चाइनीज लिखते हैं, चाइनीज में काम करते हैं। 140 करोड़ लोग दुनिया में, तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अगर दुनिया में है तो चाइनीज है, तो वो विश्व भाषा हो सकती है। दूसरे नंबर पर अगर जो कोई भाषा है सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली, पढ़ी और लिखी जाने वाली, वो हिंदी है, मातृ हिंदी है और हिंदी है। दुनिया में 100 करोड़ लोग हैं जो हिंदी जानते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी बोल सकते हैं और 85 करोड़ लोगों की तो मातृभाषा हिंदी है। 15 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है लेकिन वो हिंदी जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। 85 करोड़ लोगों की तो मातृभाषा भी हिंदी है। इस तरह से 100 करोड़ लोग हैं भारत और भारत के बाहर जो हिंदी जानते, समझते, बोलते, पढ़ते हैं और 140 करोड़ चीनी जानते, समझते, बोलते, पढ़ते हैं। तो विश्व भाषा होने की हैसियत अगर किसी के पास है तो या तो चीनी भाषा के पास है या तो हिंदी के पास है। और तीसरे नंबर पर जो भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है सबसे ज्यादा वो रूसी है। चौथे नंबर पर जो भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है वो स्पेनिश है। पांचवें नंबर पर जो भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है वो पोर्चुगीज है। छठे नंबर पर जो भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है वो डच है। और इस तरह से जब आप गिनती करते 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 चले जाते हैं तो 10वें 11वें नंबर के बाद नंबर आता है अंग्रेजी का, जिनको लोग जानते, समझते और बोलते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा झूठ है जो भारत में फैलाया गया पिछले 63 साल आजादी के बाद कि अंग्रेजी विश्व भाषा है। अंग्रेजी विश्व भाषा नहीं है, अंग्रेजी विश्व के एक छोटे से इलाके की भाषा है और उस इलाके की भाषा है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ था। जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ तो भारत में अंग्रेजी है, पाकिस्तान भारत का अंग था
पाकिस्तान में अंग्रेजी है, बांग्लादेश कभी भारत का अंग था, बांग्लादेश में अंग्रेजी है, ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजों का गुलाम रहा, वहां अंग्रेजी है, न्यूजीलैंड अंग्रेजों का गुलाम रहा, वहां अंग्रेजी है, इसी तरह से अमेरिका अंग्रेजों का गुलाम रहा, अमेरिका में अंग्रेजी है, कनाडा अंग्रेजों का गुलाम रहा, कनाडा में अंग्रेजी है, वेस्ट इंडीज अंग्रेजों का गुलाम रहा, वेस्ट इंडीज में अंग्रेजी है, ऐसे कुल मिलाकर दुनिया में 11 ही देश हैं जहां पर अंग्रेजी है, और वो भी चूंकि अंग्रेजों के गुलाम हुए इसलिए अंग्रेजी है। अर्थात अगर ये देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं होते तो इन देशों में भी अंग्रेजी का नाम लेवा कोई नहीं होता, ये बिल्कुल पक्की बात है। अब इंग्लैंड की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो इंग्लैंड के नीचे छोटे छोटे दो देश हैं जिनको इन्होंने जबरदस्ती कब्जे में कर रखा है, एक आयरलैंड है और एक स्कॉटलैंड है। उनके लोगों की मातृभाषा आयरिश है और स्कॉटिश है, लेकिन जबरदस्ती उनके ऊपर अंग्रेजी थोप के रखी हुई है ताकि वो ब्रिटेन से अलग ना हो जाएं। तो इस तरह से देखने में 14 देश आ जाते हैं, एक न्यू साउथ वेल्स है, एक आयरलैंड है और एक स्कॉटलैंड है, और एक मूल देश तो इंग्लैंड है ही, तो कुल 14, नहीं तो इंग्लैंड को हटा के ब्रिटेन को हटा के मात्र 11 देश ही हैं जहां पर अंग्रेजी है, तो ये अंग्रेजी विश्व भाषा तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा तर्क जो उनका है, जो दूसरा झूठा अभियान चला रखा है उन्होंने, कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा है, सबसे समृद्ध भाषा है। अब जरा देखें कि अंग्रेजी में समृद्धि कितनी है। किसी भी भाषा की जो समृद्धि है वो भाषा विज्ञानियों के अनुसार उस भाषा में शब्दों की संख्या से मानी जाती है। जिस भाषा में जितने ज्यादा शब्द होते हैं उस भाषा को उतना ही समृद्ध माना जाता है। सारे दुनिया के भाषा विज्ञानी इस पर सहमत हैं। वो कहते हैं कि भाषा में शब्दों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो भाषा उतनी समृद्ध होगी। तो जरा देखें अंग्रेजी में कुल शब्द कितने हैं। आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। इंग्लैंड में अंग्रेजी की शुरुआत 5वीं शताब्दी से हुई है। इंग्लैंड जो अंग्रेजी का मूल देश है, अंग्रेजी का उत्पादक देश है, जहां अंग्रेजी का जन्म हुआ, उस इंग्लैंड में अंग्रेजी की शुरुआत 5वीं शताब्दी से हुई है। माने आज से अगर गिनना शुरू करें तो लगभग 1500 साल पहले अंग्रेजी की शुरुआत हुई है पूरी दुनिया में। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो अंग्रेजी का जन्म 1500 साल पहले हुआ है पूरी दुनिया में। आपको हैरानी होगी जानकर 5वीं शताब्दी के पहले पूरे इंग्लैंड में लैटिन भाषा चलती थी। लैटिन में लोग लिखते थे, लैटिन में बोलते थे, लैटिन में सब काम होता था। और जब अंग्रेजी का जन्म हुआ तो लैटिन बोलने वाले, लैटिन जानने वाले, लैटिन लिखने वाले लोग अंग्रेजी का मजाक उड़ाया करते थे और कहा करते थे कि जो गंवार लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो अंग्रेजी में काम करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, हम सभ्य लोग हैं इसलिए हम लैटिन में काम करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। तो अंग्रेजी को गाली दी जाती थी 5वीं शताब्दी में। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी आगे बढ़ी, इसका जन्म दुनिया में सबसे बाद में हुआ है। अगर दुनिया की सभी भाषाओं को आप एक तरफ रख लें तो दुनिया की भाषाएं अंग्रेजी से सबसे ज्यादा पुरानी हैं। अंग्रेजी सबसे नई भाषा है, अंग्रेजी सबसे ज्यादा नजदीक की भाषा है, अंग्रेजी का जन्म सबसे बाद हुआ है। तो सबसे नजदीक की भाषा है, सबसे बाद में जन्म हुआ है, तो शब्दों की संख्या भी सबसे कम इन्हीं के पास होगी, तो अंग्रेजी में शब्द बहुत कम हैं। अंग्रेज विद्वान जो अंग्रेजी के बारे में कहते हैं, मैं नहीं कहता, अंग्रेज विद्वानों की कही गई बात आपसे कह रहा हूं, अंग्रेज विद्वानों को कहना है कि अंग्रेजी के मूल शब्द अभी सन 2009 तक आते आते मात्र 65,000 हो पाए हैं। तो जब हम डिक्शनरी पढ़ते हैं अंग्रेजी की, आप अगर अंग्रेजी की डिक्शनरी पढ़ो और पुरानी डिक्शनरी पढ़ो, वेबस्टर की डिक्शनरी पढ़ो, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ो, तो उसमें कहा जाता है कि 2.5 लाख शब्द हैं, लेकिन मूल शब्द 65,000 ही हैं, तो बाकी 1,85,000 शब्द कहां से आए हैं। तो अंग्रेजी ने उधार ले रखे हैं, लैटिन से उधार लिए हैं, फ्रेंच में से उधार लिए हैं, जर्मन में से उधार लिए हैं, डच में से उधार लिए हैं, पोर्चुगीज में से उधार लिए हैं, हमारी संस्कृत में से उधार लिए हुए शब्द अंग्रेजी में है, संस्कृत के बहुत सारे शब्द अंग्रेजी में हैं, हिंदी के बहुत सारे उधार लिए हुए शब्द उन्होंने अंग्रेजी में रखे हुए हैं। तो दुनिया भर के देशों की जो भाषाएं हैं उन सभी से उधार ले लेकर उनका शब्द कोश है इस समय 2.5 लाख का, और मूल अंग्रेजी शब्द हैं 65,000। तो ये तो अंग्रेजी की समृद्धि की बात है। अब मैं आगे चलता हूं,
भारत की भाषाओं की बात करता हूं और दुनिया की भाषाओं की बात करता हूं। दुनिया में जो सबसे छोटे देशों की भाषाएं हैं, जैसे डेनिश है, जैसे फिनिश है, जैसे नॉर्वेजियन है, जैसे और स्पेनिश है, पोर्चुगीज वगैरह हैं, इन भाषाओं के शब्द अंग्रेजी से ज्यादा हैं। और भारत में तो आप जानते हैं 22 भाषाएं हैं, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, आसामी सब मिलाकर 22 भाषाएं हैं। भारत की सभी भाषाओं के शब्दों को जोड़ दें तो अंग्रेजी से कई गुने ज्यादा है। मैं तो आपके बिहार की एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं, आप सब बिहार से आए हैं, बिहार की तीन बोलियों को अगर मैं एक साथ इकट्ठा करूं ना, एक तो मगधी है और एक तो मैथिली है और एक तो भोजपुरी है। भोजपुरी, मगधी और मैथिली, ये तीनों हिंदी की बोलियां मानी जाती हैं और ऐसी हिंदी की बीसियों बोलियां मानी जाती हैं। ब्रज भाषा एक है, बनारस की अलग है, गोरखपुर की अलग है, तो अनेक अनेक हिंदी में जो बोलियां हैं इनको एक साथ रख लिया जाए और हिंदी के जो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं उनको एक जगह रख लिया जाए, हिंदी की खड़ी बोली को एक जगह और दूसरी बोलियों को एक जगह रख लिया जाए तो इनके कुल शब्दों की संख्या 60 लाख है। अंग्रेजी के कुल शब्दों की संख्या सारी दुनिया से उधार लेकर 2.5 लाख है और उनके मूल शब्द 65,000 हैं, और हिंदी की सहयोगी जो बोलियां हैं इनको जोड़ लिया जाए तो ये 60 लाख है। और अगर संस्कृत की बात कर दें, संस्कृत के शब्दों के भंडार की बात कर दें, तो गुरुवर यहां बैठे हुए हैं वो अपने पहले वाले व्याख्यान में कह रहे थे, इससे पहले जो उन्होंने संस्कृत भाषा पे दिया था, कि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें करोड़ों करोड़ों शब्द बन सकते हैं, बनाए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं, एक एक धातु शब्द से हजारों हजारों शब्द बन सकते हैं। तो संस्कृत में करोड़ों करोड़ों शब्द हैं, संस्कृत के शब्दों को गिनने का सामर्थ्य अभी तक विकसित नहीं हो पाया हम में, क्योंकि शब्दों का भंडार अनंत है, क्योंकि इस भाषा का सामर्थ्य अनंत है। तो जिस भाषा में करोड़ों शब्द हो, जिस भाषा में शब्दों का भंडार सबसे बड़ा हो वो समृद्धशाली है, या अंग्रेजी जिसमें मात्र 65,000 मूल शब्द हैं और बाकी कुल मिलाकर उधार लिए हुए 2.5 लाख शब्द हैं, तो समृद्ध भाषा कैसे हुई। और मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहता हूं, पूरे भारत देश में हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं इनकी जो अलग अलग बोलियां हैं उन बोलियों की सूची अगर बनाएंगे तो 3,280 बोलियां हैं भारत में और 22 भाषाएं हैं भारत में जो दुनिया के किसी देश में नहीं है। बोली आप समझते हैं, भाषा से विकसित, जैसे हिंदी भाषा है और बोली भोजपुरी है, मगधी है, या तो आपकी मैथिली है, या तो बनारसी है, या तो कोई और क्षेत्र की है, तो बोलियां भारत में 3,280 हैं और भाषाएं 22 हैं, दुनिया के किसी देश में नहीं है। किसी भी देश का इतिहास हम पढ़ें तो एक भाषा, ज्यादा से ज्यादा दो भाषा, किसी भी देश में, रूस में, जापान में, चीन में, स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, सभी देशों में एक या ज्यादा से ज्यादा दो भाषाएं, और बोलियां तो किसी देश में एक या अधिक से अधिक दो। भारत अकेला दुनिया का ऐसा वैविध्यशाली देश है जहां बोलियां 3,280 हैं और भाषाएं 22 हैं, तो शब्दों का भंडार तो सबसे बड़ा हमारे ही पास होगा, तो भाषा की समृद्धि तो हमारे पास है, अंग्रेजों के पास क्या है? ऐसी भाषा है अंग्रेजी। अब इस भाषा को लोग कहते हैं कि दुनिया की समृद्धशाली भाषा है, मेरे समझ में नहीं आता कि इनकी समृद्धि क्या है। जिनकी व्याकरण जो है स्थिर नहीं, बदलती रहती है समय के हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से, और जिस भाषा में शब्द सबसे कम हो, जिन भाषाओं के दूसरी भाषाओं के कई कई समानार्थक पर्यायवाची शब्द हो, इनके पास कुल जमा एक ही हो, तो बहुत गरीब भाषा है, गरीबों की भाषा है। क्योंकि जब अंग्रेजी का विकास इंग्लैंड में हुआ उस समय इंग्लैंड दुनिया का सबसे गरीब देश था, इसलिए भाषा भी उनकी सबसे गरीब ही है। और भारत में इसका उल्टा है, जब भारत में संस्कृत का विकास हुआ होगा तो भारत दुनिया का सबसे समृद्धशाली देश था, इसलिए संस्कृत दुनिया की सबसे समृद्धशाली भाषा है।
गरीबी में से गरीबी ही निकलती है और समृद्धि में से समृद्धि निकलती है। हमारे समृद्धशाली समय में संस्कृत विकसित हुई, हिंदी विकसित हुई, इसलिए शब्द भंडार दुनिया में सबसे बड़ा है। सबसे गरीब समय था इंग्लैंड का, पांचवीं शताब्दी का, छठवीं शताब्दी का, जब इंग्लैंड के लोग भूख से मरते थे, उस समय अंग्रेजी विकसित हुई, इसलिए गरीब है। इसलिए अंग्रेजी समृद्धशाली भाषा तो बिल्कुल नहीं है। और एक तर्क देते हैं अंग्रेजी के बारे में, अंग्रेजी विज्ञान की भाषा है, अंग्रेजी तकनीकी की भाषा है। मैं आपको विज्ञान और तकनीकी के बारे में दो तीन छोटी जानकारियां देना चाहता हूं। जब दुनिया देश की भाषाओं के बारे में थोड़ा मैं अभ्यास करने लगा तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि सबसे ज्यादा विज्ञान की पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई हैं। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, दुनिया में सबसे ज्यादा विज्ञान और तकनीकी के विषय की पुस्तकें लिखी गई हैं रूसी भाषा में, और दुनिया में सबसे ज्यादा विज्ञान और तकनीकी के शोध पत्र जो प्रकाशित हुए हैं, रिसर्च पेपर जिनको अंग्रेजी वाले कहते हैं, वो रूसी भाषा में है। तो जिन देशों में सबसे ज्यादा शोध हुआ विज्ञान और तकनीकी का, वो रूस है, जो एक जमाने में सोवियत संघ हुआ करता था, अभी छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर रूस एक अलग देश हो गया। तो रूसी भाषा में सबसे ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित हुए, रूसी भाषा में सबसे ज्यादा विज्ञान और तकनीकी की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। तो विज्ञान और तकनीकी की भाषा रूसी भाषा है। और विज्ञान तकनीकी विषय को अगर छोड़ दें, दर्शन के विषय को ले लें, दर्शन शास्त्र में सबसे ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं पूरी दुनिया में, वो जर्मन में है, और सबसे बड़े दर्शन शास्त्री जो दुनिया के माने जाते हैं वो सब जर्मन है, अंग्रेज नहीं है। हम मार्क्स की बात सुनते हैं ना, मार्क्स वो जर्मन था। कांट की बात करते हैं ना, वो जर्मन था। हीगेल की बात करते हैं, वो जर्मन था। दुनिया के सारे उच्च श्रेणी के दर्शन शास्त्री जर्मनी देश के रहे हैं और जर्मन भाषा में काम किया है, इसलिए दर्शन शास्त्र की सबसे ज्यादा पुस्तकें जर्मनी में छपी हैं। इसी तरह से चित्रकारी की, कलाकारी की, संगीत की, सिनेमा की सबसे ज्यादा पुस्तकें छपी हैं वो फ्रेंच में है, क्योंकि फ्रांस में सबसे ज्यादा काम हुआ है इस विषय पर। कला, चित्रकारी, भवन निर्माण, मूर्तिकला, वास्तुकला, इन सब कलाओं पर सबसे ज्यादा पुस्तकें छपी हैं वो फ्रेंच में है। और इतिहास के विषय में सबसे ज्यादा पुस्तकें छपी हैं दुनिया में, वो स्पेनिश में है, पोर्चुगीज में है, फ्रेंच में है, जर्मन में है। अगर आप इसमें अंग्रेजी को ढूंढेंगे तो अंग्रेजी कहीं नहीं है। अगर एक शब्द में, एक वाक्य में मैं ये कहूं कि इतिहास में सबसे ज्यादा पुस्तकें अंग्रेजी भाषा को छोड़कर सभी भाषाओं में है, दर्शन शास्त्र में सबसे ज्यादा पुस्तकें अंग्रेजी भाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं में है, जर्मन में तो सबसे ज्यादा है, विज्ञान और तकनीकी में सबसे ज्यादा पुस्तकें रूसी भाषा में है, अंग्रेजी में तो बहुत कम है, क्योंकि अंग्रेजी में विज्ञान और तकनीक का शोध सबसे कम हुआ है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, आप ये कहेंगे कि हमको तो सारी दुनिया में ये बताया जाता है, ये वैज्ञानिक इंग्लैंड का, वो वैज्ञानिक इंग्लैंड का, ये तकनीशियन इंग्लैंड का, वो तकनीशियन इंग्लैंड का। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत खराब है लेकिन वो सच्ची बात है। इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी में सबसे कम विज्ञान और तकनीकी पर शोध हुआ है, लेकिन दुनिया में जो कुछ अंग्रेजी में छपा है उनमें से आधे से ज्यादा चोरी का है, दूसरों ने शोध किया है, उसको अंग्रेजों ने अपना नाम लगा के छाप दिया है। कभी समय आया तो आपके सामने एक विषय पे बात करूंगा कि अंग्रेज वैज्ञानिकों ने भारत के वैज्ञानिकों की क्या क्या शोध चुराई है और कौन कौन सी तकनीकी अपने नाम से प्रकाशित कराई है। दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ पूरी दुनिया में चलाया जा रहा है, संकेत में कह रहा हूं, कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। आपको सुनकर हैरानी होगी, राइट ब्रदर्स से लगभग 14-15 साल पहले हवाई जहाज का आविष्कार पूना में हुआ था, भारतीय वैज्ञानिकों ने किया था। इसी तरह से सारी दुनिया में एक झूठ फैलाया गया, बर्फ का आविष्कार अंग्रेज वैज्ञानिकों ने किया। एक तो बर्फ वो होती है जो प्रकृति से हमको मिलती है, बारिश जैसे गिरती है ना वैसे बर्फ गिरती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रयोगशाला में बर्फ बनाने का आविष्कार ये कहते हैं इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने किया 17वीं शताब्दी में। हमारे पास इस बात के प्रमाण है कि 10वीं शताब्दी में भारत में बर्फ निर्माण की फैक्ट्रियां चलती थी,
इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में बर्फ का निर्माण का उन्होंने पहली बार शोध किया, यहाँ 10वीं शताब्दी में सन 1000 के आसपास बर्फ बनाने की सैकड़ों फैक्ट्रियां थी भारत में, जहाँ फैक्ट्री में बर्फ बनती थी, और बर्फ का आविष्कार तो उसके बहुत पहले का है। ऐसी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा झूठ प्रचारित कर रखा है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किया। किसी भी क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वो आपने पढ़ा है ना बचपन में, न्यूटन के तीन सिद्धांत या न्यूटन के तीन नियम, क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये तो भारतीय वैज्ञानिक सब 9वीं-10वीं शताब्दी में बोलकर चले गए, किसी भी क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हमारे यहां बहुत सारी शोध हैं, बहुत पहले हो चुकी थी, अंग्रेजों ने उनको अपना नाम लगा लगा के सारी दुनिया में प्रचारित कर दिया। आपको मालूम है एक अंग्रेज के नाम से सारी दुनिया में कहा जाता है, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम वेल ने किया, टेलीफोन का आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु का है, वो अंग्रेज ग्राहम वेल अपने नाम से सारी दुनिया में छपा लिया उसको। यूरोप के और अंग्रेजों के नाम ये कहा जाता है कि पौधों में जीवन है, पौधे हंसते हैं, पौधे बोलते हैं, पौधे रोते हैं, पौधे मुस्कराते हैं, ये सबसे पहली शोध अंग्रेजों के द्वारा दुनिया में आई। ये शोध तो भारतीय वैज्ञानिकों की है और अंग्रेजों से सैकड़ों साल पहले की है, तो अंग्रेजों ने विज्ञान और तकनीकी में कोई मूल शोध नहीं किया है। दूसरे देशों में जो शोध हुए हैं उनको चुरा चुरा कर अपने नाम से प्रकाशित किया है। हम तो ऐसे एक मुश्किल में फंस गए कि जब अंग्रेज सारी दुनिया को ये कह रहे थे कि ये विज्ञान की शोध हमने की, ये विज्ञान की शोध हमने की, अगर उस समय भारत आजाद होता तो अंग्रेज सारी दुनिया के सामने झूठे सिद्ध हो जाते और हम उनके मुकाबले खड़े होकर कहते कि झूठ मत बोलो, ये शोध तो पहले भारत में हुई है और इस शताब्दी में हो चुकी है। ये आपको मालूम है चिकन पॉक्स एक बीमारी होती है, उसके टीके लगाने के आविष्कार के बारे में अंग्रेजों के नाम लिखा हुआ है कि टीके का आविष्कार अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों से 300 साल पहले इस भारत देश में चिकन पॉक्स का टीका बनता था और लगाया जाता था, उसके प्रमाण मिल चुके हैं, और अब अंग्रेजों ने इसमें बोलना बंद कर दिया है। फिर अंग्रेजों ने सारी दुनिया में एक झूठ फैलाया कि शल्य चिकित्सा में सबसे ज्यादा शोध हमने किया। अब उन अंग्रेजों के मुंह पर हम मार सकते हैं कि तुमने शल्य चिकित्सा में क्या किया। दुनिया की शल्य चिकित्सा में जो आधुनिकतम चिकित्सा मानी जाती है प्लास्टिक सर्जरी, वो भारत में अंग्रेजों के आने के हजारों साल पहले से चल रही थी और उसके प्रमाण खुद अंग्रेज वैज्ञानिकों ने और अंग्रेज शल्य चिकित्सकों ने लिखे हैं अपनी पुस्तकों में। अब हमारी मुश्किल क्या है कि हम सारी दुनिया को अमेरिका और इंग्लैंड मानते हैं और ये दो देश हैं पूरी दुनिया में, इसके अलावा 198 और भी देश हैं पूरी दुनिया में। अब क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे 3-4 देशों में अंग्रेजी है, तो हमारी दुनिया भी इन्हीं देशों तक सीमित हो गई है। हमारे लिए 7 समंदर पार माने इंग्लैंड, हमारे लिए 7 समंदर पार माने अमेरिका। 7 समंदर पार तो 198 देश हैं, ये इंग्लैंड और अमेरिका तो दो हैं। तो चूंकि दो देशों तक हमारी दृष्टि सीमित है, इसलिए हमको दिखाई देता है कि जो भी कुछ विदेशी नाम है वो सब अंग्रेज है। अंग्रेज नाम तो बहुत कम मिलेंगे दुनिया में। अगर आप बहादुरी में देखेंगे, जिन्होंने बहादुरी से सेनाओं के नेतृत्व करके दुनिया के देशों को जीता है, ऐसे लोगों की सूची बनाएंगे तो अंग्रेजों का नाम उसमें बिल्कुल नीचे फिसड्डी है। मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूं जो थोड़े दिन पहले पता चली कि इंग्लैंड की तरफ से जितने बहादुर सेनापति दूसरे देशों को जीतने के लिए निकले उनमें से एक भी इंग्लिश नहीं था, सब स्कॉटिश थे, सारे के सारे स्कॉटिश थे। और स्कॉटलैंड एक अलग देश है जिनकी अलग भाषा है, जिनकी अलग भूषा है, जिनका अलग पूरा का पूरा साहित्य है, जिनकी मुद्रा अलग है, जिनके कानून अलग हैं, जिनका संविधान अलग है। स्कॉटलैंड बिल्कुल इंग्लैंड से अलग देश है और स्कॉटलैंड के जो निवासी थे वो चूंकि अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे, इसलिए अंग्रेज जहां भी मरने के लिए भेजते थे स्कॉटिश लोगों को भेज दिया करते थे, ये खुद नहीं जाते थे कभी युद्ध में। इसलिए दुनिया में जितने अंग्रेजों के नाम पर बड़े नाम लिए जाते हैं सेनापतियों के, वो सब स्कॉटिश हैं। और दूसरे नंबर पर आयरिश हैं, इंग्लिश तो बहुत कम है। मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहता हूं, भारत में 84 गवर्नर जनरल आए
अंग्रेजों की तरफ से राज करने के लिए। पहला आया रॉबर्ट क्लाइव, आपको मालूम है ये रॉबर्ट क्लाइव स्कॉटिश था, ये इंग्लिश नहीं था। और आखिरी आया वो भी अंग्रेज नहीं था, वो आयरिश था, माउंटबेटन का नाम हमने सुना, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल माउंटबेटन, और भारत में पहला अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव स्कॉटिश था और माउंटबेटन आयरिश था। तो स्कॉटिश और आयरिश जैसे 84 बड़े अधिकारी यहां आए, हम दुर्भाग्य से उन सबको अंग्रेज मान के बैठे हैं, वो अंग्रेज नहीं थे। आयरिश अलग कौम है, इंग्लिश अलग कौम है, स्कॉटिश अलग कौम है, इंग्लिश अलग कौम है। दुनिया के सारे महान सेनापतियों के नाम गिनो, गैरी बॉल्डी वो अंग्रेज नहीं था, नेपोलियन वो अंग्रेज नहीं था, बिस्मार्क वो अंग्रेज नहीं था, चार्ल्स द गॉल वो अंग्रेज नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव वो अंग्रेज नहीं था। दुनिया भर में जिन लोगों ने ख्याति पाई अपने सेनापति होने के नाम पर, सेना का नेतृत्व करने के नाम पर, एक भी उनमें से अंग्रेज नहीं है, अपवाद के लिए एक दो को छोड़ दिया जाए तो आप बोलिए अंग्रेजों को कैसे हम कह सकते हैं कि दुनिया में अच्छे लोगों में गिने जाते हैं। और भारत में एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई इस अंग्रेजी भाषा में, वो गलतफहमी पता है क्या हुई है, हमारी भाषा जो अंग्रेजी हो गई, राष्ट्रभाषा जैसी अंग्रेजी हो गई, हर जगह अंग्रेजी है, तो हमारी सेना में भी अंग्रेजी है। अब सेना में अंग्रेजी होने का सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश को ये हो रहा है कि भारत में जो वीर जातियां हैं, जो बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ सकती हैं, वो अंग्रेजी जानती नहीं है। और जो लल्लू चप्पू किस्म के लोग हैं, जो वीरता में बिल्कुल शून्य है, सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, वो बड़े बड़े अधिकारी बन के बैठे हैं। इसलिए हम युद्ध हार गए चीन का 1962 में। ये अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी कमनसीबी। अब मैं अंत में आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं बहुत गहरी। भारत के लोगों ने और सारी दुनिया के लोगों ने, जो अंग्रेजी के समर्थक है ना और अंग्रेजी के विरोधी पूरी दुनिया में, एक बहुत बड़ा झूठ अभी प्रचारित करना शुरू किया है। और वो झूठ प्रचारित क्या करना शुरू किया है, जैसे ही हम अंग्रेजी भाषा का विरोध करते हैं तो भारत में कुछ लोग कह देते हैं ये अंग्रेजी भाषा का विरोध माने ईसाइयों का विरोध कर रहे हैं, और ईसाइयों के समाज से अंग्रेजी को जोड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे देश में ये संयोग की बात है कि ज्यादातर अंग्रेजी स्कूल ईसाई संस्थाओं के हाथ में है, ज्यादातर कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल ईसाई संस्थाओं के हाथ में है। तो जब हम अंग्रेजी का विरोध करते हैं तो ये ईसाई संस्थाएं समझती हैं ये हमारा विरोध कर रहे हैं। मैं सभी ईसाई संस्थाओं को विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं और सारे देश का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि परम पूजनीय ईसा मसीह की भाषा अंग्रेजी नहीं थी। ईसा मसीह ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर जो संदेश दिए हैं, जो व्याख्यान किए हैं और जो कुछ उन्होंने लिखा है, जो कुछ बोला है, वो अंग्रेजी में नहीं है, वो एक दूसरी भाषा में है। उस भाषा का नाम है अरमेक। अरमेक नाम की एक भाषा चला करती थी ये इलाके में जहां इस समय इसराइल है, जहां इस समय फिलिस्तीन है, इसराइल है, फिलिस्तीन है, इस क्षेत्र में एक भाषा चला करती थी आज से कुछ वर्ष पहले तक, लगभग 2000 वर्ष पहले तक। उस भाषा का नाम है अरमेक और उसकी अपनी लिपि थी। और अरमेक लिपि को अगर आप समझना चाहें तो वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे बांग्ला लिपि है। हम बांग्ला लिखते हैं ना, बांग्ला, आसामी लिखते हैं, बिल्कुल इसी लिपि में अरमेक लिखी जाती थी। और अरमेक के बहुत सारे शब्द हिंदी में मिलते हैं, हो सकता है हिंदी में से बहुत सारे शब्द अरमेक में गए हों, क्योंकि हिंदी का इतिहास तो अरमेक से बहुत पुराना है। तो अरमेक भाषा में बोलते थे ईसा मसीह और अरमेक भाषा में लिखे गए उनके सारे व्याख्यान। और आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे पहली बाइबल लिखी गई वो भी अरमेक में लिखी गई, अंग्रेजी में बाद में उसका भाषांतर हुआ। तो दुनिया भर के ईसा मसीह को मानने वाले जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेजी ईसा मसीह की भाषा नहीं थी, अंग्रेजी बाइबल की भाषा कभी नहीं रही। ईसा मसीह के सारे व्याख्यान अरमेक में हुए, सब कुछ उन्होंने साहित्य अरमेक में लिखा है। इसलिए वो अपने आप को इस बात से जोड़कर ना देखें कि अंग्रेजी भाषा का विरोध ईसाइयों का विरोध है, ये बिल्कुल नहीं है। मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जब अंग्रेजी विकसित हुई तो उसने अरमेक भाषा को खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया।
अंग्रेजी भाषा ने दुनिया की सैकड़ों सैकड़ों छोटी भाषाओं को खत्म किया है, उसमें से अरमेक भाषा को खत्म किया गया जिसमें मूल रूप से बाइबल लिखी गई सबसे पहले। और एक गहरी बात कहना चाहता हूं, दुनिया के सारे बड़े ग्रंथ जिन्होंने व्यवस्थाएं बदली हैं, जिन्होंने व्यवस्थाओं को नया बनाया है, जिन्होंने सारी दुनिया का इतिहास नया लिखा है, ऐसे सभी ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखे गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुरान जो है ना वो अंग्रेजी में नहीं है, बाइबल जो है वो अंग्रेजी में नहीं है। दुनिया में यहूदी धर्म है उसकी एक पवित्र पुस्तक है जिसको जिंदावस्था कहते हैं, वो हेब्रू में लिखी हुई है, वो अंग्रेजी में नहीं है, क्योंकि यहूदियों की मातृभाषा हेब्रू है, अंग्रेजी नहीं है। और इसराइल जो देश बना है वो हेब्रू मातृभाषा को अपनाकर नया देश बना है। तो कुरान अंग्रेजी में नहीं, जिंदावस्था अंग्रेजी में नहीं, बाइबल अंग्रेजी में नहीं। और हम भारत के वेदों की बात करें तो कोई वेद अंग्रेजी में नहीं, ऋग्वेद है, अथर्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, सब संस्कृत में है, उपनिषद सारे संस्कृत में है। माने जिन शास्त्रों ने, जिन ग्रंथों ने दुनिया को बदला है, दुनिया की व्यवस्थाओं को बदला है, क्रांतियां की हैं जिन शास्त्रों ने और ग्रंथों ने, एक भी ग्रंथ पूरी दुनिया में अंग्रेजी का नहीं लिखा हुआ है। आप सोचो कितनी गरीब भाषा है ये अंग्रेजी। हमारे देश के बारे में और दुनिया के देशों के बारे में एक और सच्चाई मुझे कहनी है, वो ये कि भारत को छोड़कर दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं है जहां विदेशी भाषा का अखबार छपता हो। परम पूजनीय स्वामी जी एक बार अक्सर हमको कहते रहते हैं हर बार कि भारत छोड़कर दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो अपनी मातृभाषा में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता हो। माने भारत अकेला देश है जो विदेशी भाषा में अपने बच्चों को पढ़ाता है। अब इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, भारत दुनिया का अकेला देश है जहां विदेशी भाषाओं के अखबार छपते हैं और बिकते हैं। भारत को छोड़कर दुनिया के किसी देश में विदेशी भाषाओं के अखबार बिकते नहीं है, छपते तो हैं लेकिन मिलते नहीं है आसानी से। फ्रांस में जाएंगे फ्रेंच के ही अखबार मिलेंगे, अंग्रेजी का अखबार ढूंढते हुए आप परेशान हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड में जाएंगे सब अखबार स्विस में मिलेंगे, अंग्रेजी का अखबार ढूंढते परेशान हो जाएंगे। जर्मनी में जाएंगे, चीन में जाएंगे, जापान में जाएंगे, सब जगह अखबार मिलेंगे उनकी मातृभाषा के, बिकेंगे, छपेंगे, मिलेंगे। भारत एक अकेला देश है जहां कहीं भी चले जाइए अंग्रेजी के अखबार तो जरूर मिल जाएंगे। दिल्ली में मिल जाएंगे, यहां हरिद्वार में मिल जाएंगे, आगरा है, बरेली है, छोटे छोटे शहरों में मिल जाएंगे। बहुत शर्मनाक है ये स्थिति कि हमारे यहां विदेशी भाषा के अखबार हर जगह मिल जाएं और दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो विदेशी भाषा का कोई अखबार ना मिले। और पता चला कि हमारे देश में तो नीतियां भी ये अंग्रेजी अखबार के मालिकान ही बनवाते हैं, और बड़े अखबारों में विज्ञापन भी अंग्रेजी अखबारों को ही मिलते हैं, और चूंकि विज्ञापन ज्यादा अंग्रेजी अखबारों को मिलते हैं इसलिए नीतियां बनवाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत के जो नीति निर्धारक हैं, अधिकारी और नेता, ये ज्यादातर अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं और वो उसी से प्रभावित होकर नीतियां बनाते हैं। इसलिए आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई कोई समस्या का समाधान भारत की नीतियों में नहीं मिलता, व्यवस्थाओं में नहीं मिलता। मैं एक दो छोटी सी कुछ गहरी और दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं, वो ये भारत के बारे में एक बहुत गहरी बात जो मुझे बहुत चुभती है, वो ये कि आजादी जब नहीं मिली थी तब इस देश में गुलामी थी और 565 छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। आजादी मिल गई, आजादी आ गई और 565 राज्यों के अब 33 राज्य बन गए। लेकिन आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि जब भारत आजाद नहीं था तो 565 राज्यों की मूल भाषा स्थानीय भाषा हुआ करती थी, मातृभाषा हुआ करती थी, अंग्रेजी किसी राज्य में नहीं चलती थी। लेकिन भारत जब आजाद हो गया तो भारत में मूल भाषा, मातृभाषाएं पूरी तरह से खत्म कर दी गईं और हर जगह अंग्रेजी 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 हावी हो गई। भारत में अंग्रेजों के जमाने में जो कलेक्टर हुआ करता था उसको एक निर्देश होता था कि वो स्थानीय भाषा को जब तक सीखेगा नहीं उसको किसी भी पद पर रखा नहीं जाएगा। अब आजादी के बाद जो कलेक्टर होता है इस देश में उसको ये निर्देश होता है कि स्थानीय भाषा जानो या ना जानो अंग्रेजी आनी चाहिए तभी तुमको नियुक्ति मिलेगी, नहीं तो नियुक्ति नहीं मिलेगी। माने ये दो बातों को अगर हम समझें गहराई से तो ये कि हम गुलामी के दिनों में भाषा के स्तर पर ज्यादा आजाद थे बनिस्बत आजादी के दिनों में भाषा के स्तर पर ज्यादा गुलाम हैं हम। जब हमारे राजकाज की पूरी भाषा अंग्रेजी हो गई है,
राजकाज के व्यवहार की पूरी भाषा अंग्रेजी हो गई है। मुझे बहुत दुख होता है, दर्द होता है, आपको भी शायद होता होगा। आजाद भारत के, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति अंग्रेजी में संदेश देते हैं, आजाद भारत के प्रधानमंत्री अंग्रेजी में बात करते हैं, आजाद भारत के प्रधानमंत्री संसद में अंग्रेजी बोलते हैं, संसद के बाहर अंग्रेजी बोलते हैं, राष्ट्रपति संसद में अंग्रेजी बोलते हैं, संसद के बाहर अंग्रेजी बोलते हैं, भारत के सांसद अंग्रेजी में बात करते हैं, संसद में, संसद के बाहर अंग्रेजी में बात करते हैं, विधायिकाओं के विधायक अंग्रेजी में बात करते हैं, विधायिकाओं के अंदर बात करते हैं, विधायिकाओं के बाहर बात करते हैं। हमारे देश की अदालतों में न्याय जिसको चाहिए, वादी हो या प्रतिवादी, वो अंग्रेजी में बेचारा पूरी बहस को टुकुर टुकुर देखता रहता है। जैसे बकरे को हलाल करते समय बकरा अपनी आंखों से देखता रहता है टुकुर टुकुर, ऐसे न्याय की अदालत में खड़ा हुआ हमारे देश का कोई न्याय पाने वाला व्यक्ति पूरी बहस को अंग्रेजी में देखता रहता है, न उसके समझ में आती है, न उसके पल्ले पड़ती है। उसका वकील अंग्रेजी में बोल रहा है, सामने वाला वकील अंग्रेजी में जवाब दे रहा है, न्यायाधीश अंग्रेजी में सवाल कर रहा है, अंग्रेजी में जवाब दे रहा है, अंग्रेजी में पूरा का पूरा वो न्याय का फैसला लिख रहा है, वो फैसले की छपाई अंग्रेजी में हो रही है और वो न्याय पाने वाले के हाथ में दे दी जाती है। भाई तुम इसको पढ़ लो और समझ लो, क्या पढ़ेगा क्या समझेगा, क्योंकि 1 करोड़ से भी कम लोग अंग्रेजी जानते हैं समझते हैं। बहुत दुख होता है जब हम बाजारों में जाते हैं, दुकानों पर नाम पट्टिकाएं अंग्रेजी में लिखी गई हैं, दुकानों पर मिलने वाली वस्तुओं के नाम अंग्रेजी में लिखे गए हैं। हम इस देश में गलियों में द्वारों पर घूमते रहते हैं, द्वारों के बाहर नाम पट्टिकाएं अंग्रेजी में है, द्वारों की गलियों के नाम अंग्रेजी में है, सड़कों के नाम अंग्रेजी में है, सरकार ने आज तक वो नाम नहीं बदले हैं। कहीं करजन रोड है, कहीं लॉरेंस रोड है, कहीं मैकडोवल रोड है, तो कहीं पैथिक लॉरेंस रोड है, तो कहीं लिलिथगो रोड है, तो कहीं डलहौजी रोड है, तो कहीं डलहौजी नगर है, तो कहीं वास्को डिगामा नगर है। कहीं कहीं इस देश में शर्मनाक स्थिति है कि करजन जिसने भारत का बंटवारा किया हिंदू मुसलमान के आधार पर, उसके नाम से भवन है, उसके नाम से रियासतें हैं, उसके नाम से गलियां हैं, उसके नाम से सड़कें हैं। तो हर जगह अंग्रेजी 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 छाई हुई है। इससे भी ज्यादा दुख होता है, तकलीफ होती है कि भारत के किसान जो खेती करते हैं उनको बीज दिए जाते हैं, तो बीज बेचने वाली कंपनियां जो पैकेट बनाती हैं वो पैकेट सब अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। दवा छिड़कनी है अगर किसी किसान को कीटनाशक, तो दवा के ऊपर जो संदेश लिखे जाते हैं वो अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। खाद की जो बोरियां होती हैं उस पर अंग्रेजी भाषा छपी होती है, लिखी रहती है। कोई किसान अंग्रेजी जानता नहीं है, कोई किसान अंग्रेजी समझता नहीं है, लेकिन उसको बेची जाने वाली कीटनाशक दवाएं, उसको बेचे जाने वाले बीज, उसको बेचे जाने वाला खाद, सब कुछ अंग्रेजी 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 में होता है। उसका दुष्परिणाम क्या होता है, किसान को मालूम नहीं है कि अंग्रेजी में किसी दवा के लिए लिखा गया है कि इस दवा को थोड़ी ही मात्रा में लेना है। किसान कई बार ज्यादा मात्रा में लेता है, वो खुद मरता है, दूसरों को भी मारने का कारण बन जाता है। साधारण लोग हमारे देश में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, अंग्रेजी भाषा में उनसे बातें की जाती हैं, उनको खतो किताबत अंग्रेजी भाषा में की जाती है। तो ऐसी स्थिति जब पूरे देश में हो तो हमें इस भाषा के स्तर की गुलामी को तो अब उखाड़ के ही फेंकना पड़ेगा। मेरे मन में तो एक ही बात है कि जैसे अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंका, वैसे अब अंग्रेजी को उखाड़ कर फेंकना है। यही एक काम बाकी है जो हमारे शहीदों के, क्रांतिवीरों के सपनों से जुड़ा हुआ है। और ये भारत स्वाभिमान का अभियान चाहता है कि सारे देश में से अंग्रेजी हटे। तो आप बोलेंगे अंग्रेजी कहां कहां से हटे, मैं निवेदन करना चाहता हूं अंग्रेजी हमारी अदालतों से हटे, अंग्रेजी हमारी शिक्षा व्यवस्था में से हटे, अंग्रेजी हमारी शासन व्यवस्था में से हटे, अंग्रेजी हमारे कारखानों से हटे, अंग्रेजी हमारी फौज में से हटे, अंग्रेजी हमारी प्लाटून में से हटे, अंग्रेजी हमारे वैज्ञानिक संस्थानों से हटे, अंग्रेजी हमारे कृषि संस्थानों में से हटे, अंग्रेजी हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली सरकारी संस्थाओं में से हटे, इन सभी जगह से अंग्रेजी हटाई जाए। तो आप बोलेंगे कहां भेजा जाए, इसको 7 समंदर पार इसके देश में छोड़कर आया जाए, हमारी जगह से ये अंग्रेजी हटे। या तो ये 7 समंदर पार भेजी जाए अंग्रेजी, या इस अंग्रेजी को पुस्तकालयों में बंद कर दिया जाए,
या इस अंग्रेजी को विदेशी भाषा के शिक्षण संस्थानों में दे दिया जाए, विदेशी भाषा के शिक्षण संस्थान खोल दिए जाएं, उनमें अंग्रेजी सीखने और सिखाने का काम चलता रहे, बाकी भारत के हर स्थान से अंग्रेजी हट जाए। तो आप कहेंगे जी कुछ लोगों को अंग्रेजी सीखनी है, जिनको अंग्रेजी सीखनी है वो विदेशी भाषा के शिक्षण संस्थानों में दाखिला ले लेंगे, अंग्रेजी सीख लेंगे। आपने देखा है दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, 60 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए, कोई कहता 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए। अभी यहाँ हरिद्वार में तो ऋषिकुल चौक पर होर्डिंग लगा है 15 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए। जब हमारे यहाँ इतने महान महान लोग हैं जो 15 दिन में अंग्रेजी बोलना सिखा सकते हैं, तो 15 साल क्यों बर्बाद करना अंग्रेजी सीखने में, हम तो 15 दिन में सीख लेंगे। ऋषिकुल चौराहे पर बोर्ड लगा हुआ है, वहां जाके भर्ती हो जाएंगे, 15 दिन में कुछ टूटी फूटी अंग्रेजी सीख जाएंगे, और इतनी तो सीख जाएंगे कि अंग्रेजों से बात कर सके, उनको समझा सके, उनकी समझ सके। हमको अंग्रेजी भाषा 15 साल पढ़ने की क्या जरूरत है, पहली कक्षा से अंग्रेजी, दूसरी से अंग्रेजी, तीसरी से अंग्रेजी और अंतिम कक्षा तक अंग्रेजी, ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है। और इस अत्याचार में नुकसान पता है क्या होता है, हम भाषा को सीखते सीखते सारा समय बर्बाद कर देते हैं, विषय हम सीख नहीं पाते। हमको गणित सीखना है, हमको दर्शन शास्त्र सीखना है, इतिहास सीखना है, भूगोल सीखना है, हमको भौतिकी सीखनी है, रसायन शास्त्र सीखना है, अन्य अन्य शास्त्र सीखने हैं, लेकिन ये चूंकि सब अंग्रेजी से जुड़े हुए हैं तो अंग्रेजी सीखने में ही 8-10 साल निकल जाते हैं। फिर इन शास्त्रों को सीखने का जब समय आता है तो अंग्रेजी के बोझे से इतने लद जाते हैं कि ये शास्त्र छूट जाते हैं, अंग्रेजी आगे आ जाती है। और जो लोग शास्त्र सीख जाते हैं उनको चूंकि अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए माना जाता है कि ये जिंदगी के हर क्षेत्र में बेकार है। और इसके चक्कर में हमारे देश का एक बड़ा नुकसान हो रहा है, 18 करोड़ विद्यार्थी प्राथमिक कक्षा में भर्ती होते हैं और अंतिम कक्षा तक निकलते निकलते वो 1 करोड़ रह जाते हैं। भारत सरकार कहती है 17 करोड़ विद्यार्थी केवल और केवल इस कारण से फेल हो जाते हैं कि वो अंग्रेजी नहीं जान पाते, नहीं सीख पाते। आप सोचो 17 करोड़ विद्यार्थियों के ऊपर कितना बड़ा अन्याय और कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये अन्याय और अत्याचार अब ज्यादा दिन हमें नहीं सहना है, इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ पूरी ताकत और बुलंदी से लड़ना है। भारत स्वाभिमान अभियान इसी काम के लिए समर्पित है और आप सभी भारत स्वाभिमान अभियान के कार्यकर्ता इसी के लिए समर्पित हैं। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन से शुरुआत करिए और इस विदेशी भाषा की गुलामी का जो जुआ आपने अपने कंधे पे ओढ़ रखा है, लाद रखा है, इसको एक क्षण में उठाकर फेंक दीजिए, एक झटके से इस गुलामी को हटाइए, अपने जीवन से इसको निकालिए। आप बोलेंगे हम हमारे जीवन से क्या करें, कैसी शुरुआत करें अंग्रेजी को हटाने की। अंग्रेजी को हटाने की सबसे पहली शुरुआत करिए कि आप अपने घर में बच्चों के नाम, बेटे और बेटियों के नाम अंग्रेजी में रखना तत्काल बंद करिए। हमने ऐसी मूर्खता अपने घरों में अपनाई हुई है, बेटे का नाम टिंकू, बेटी का नाम डिम्पल, ट्विंकल, बेबी, डबली, डॉली, डेजी, बबलू, डब्लू, बबलू, डब्लू, पता नहीं क्या क्या नाम है, नामों का अर्थ नहीं मालूम, रखे हुए हैं। मुझे कभी कभी इतनी हंसी आती है, पिताजी का नाम राम प्रसाद, माता जी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अभी राम प्रसाद और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया, जरा बताइए। और जिन महानुभावों ने अपने बेटों के नाम टिंकू रखे हुए हैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आज और अभी ये नाम बदल दें, क्योंकि टिंकू का अंग्रेजी में अर्थ होता है आवारा लड़का। आपका सीधा साधा अच्छा खासा बेटा, आप उसको टिंकू बोल बोल के आवारा बनाना चाहते हैं, नाम बदलिए उसका। अपने पास बहुत सुंदर सुंदर संस्कृत में नाम है, हिंदी में नाम है, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, सब भाषाओं में अच्छे नाम है, तो बच्चों के नाम तत्काल बदल दीजिए और उनको ये टिंकू, पिंकू, डिंपल, ट्विंकल, बबली, डबली, डब्लू, इन नामों से बुलाना तुरंत बंद कर दीजिए, यहां से शुरू करिए। फिर दूसरा निवेदन आपसे है वो ये कि अंग्रेजी भाषा को अपने हस्ताक्षर से हटाइए। हम अक्सर पत्र लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे, गुजराती में लिखेंगे, तमिल तेलुगु में, हस्ताक्षर अंग्रेजी में कर देंगे, तुरंत बंद करिए। सभी भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता अपने हस्ताक्षर मातृभाषा में करें या राष्ट्रभाषा में करें, अंग्रेजी के हस्ताक्षर तत्काल बंद करें। और आपके तो
बैंक के खातों में जो हस्ताक्षर आपने दे रखे हैं ना नमूने के रूप में, वो तुरंत जाके बदलवा दें अगर वो अंग्रेजी में है तो। आप बोलेंगे बैंक बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। बैंक को एक निवेदन पत्र दीजिए, आपके हस्ताक्षर का नमूना एक दिन में बैंक बदलने को तैयार है, क्योंकि बैंकों में अब ये नीति है कि हिंदी में लिखे हुए पत्र, हिंदी में हस्ताक्षर किए हुए चेक या ड्राफ्ट बैंक में स्वीकार होते हैं। तो आपके बैंक खातों से हस्ताक्षर का नमूना बदलें, वो हिंदी में करें, मातृभाषा राष्ट्रभाषा में करें। तीसरा काम, आपके घरों के बाहर अगर आपने अंग्रेजी नाम रखे हुए हैं, के एन शर्मा, ये शर्मा तो समझ में आता, के एन क्या है, ए एन शर्मा, डी एन शर्मा, ए बी पाठक, ए बी शुक्ला, ये ए बी क्या है, डी एन क्या है, ए एन क्या है, पीछे वाला तो समझ में आ रहा है, ये आगे वाला क्या है। पूरा नाम लिखिए ना, दया शंकर शर्मा, कृपा शंकर शर्मा, राम अवध शर्मा, राधे श्याम शर्मा, उसको आर एस शर्मा क्यों कर रहे हैं, अंग्रेजियत में क्यों जा रहे हैं। तो अपने नामों को नाम पट्टिकाओं से बदलिए। और घरों के नाम अगर आपने कुछ इस तरह से अंग्रेजियत वाले रखे हैं तो वो घरों के नाम हिंदी में करिए, मातृभाषा राष्ट्रभाषा में करिए। और एक कदम आगे बढ़िए, घर के बच्चों को अंग्रेजी में कोई कविता मत सिखाइए, कोई कविता मत सुनाइए। हमारे घरों के बच्चों को हमने ऐसी मूर्खतापूर्ण कविताएं सिखा रखी हैं, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले। इसका अर्थ समझो, रेन रेन गो अवे माने बारिश बारिश तुम चली जाओ, कभी भी मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। अब हर बच्चा यही बोल रहा है, बारिश बारिश तुम चली जाओ, कभी भी मत आओ, मुझे खेलना है। करोड़ों बच्चे बोल रहे हैं, भगवान ने प्रार्थना सुन ली तो, बारिश को वापस बुला लिया तो बारिश तो होगी नहीं, तो अन्न तो पकेगा नहीं, तो धरती तो प्यासी रहेगी, तो हम भूखे रहेंगे, पूरे देश में अकाल पड़ेगा। इसलिए बच्चों को ये कविता मत सिखाइए, रेन रेन गो अवे, उनको दूसरी कविता सिखाइए। एक बहुत सुंदर कविता है, मराठी में है, येरे येरे पाउसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा पाउसाला मोटा, माने बारिश बारिश तुम जल्दी आओ, जोर जोर से आओ, नहीं आओगी तो मैं पैसा देने को तैयार हूं तुमको, एक बार आ जाओ, क्योंकि भारत बारिश पे ही चलता है, क्योंकि यहाँ अन्न बारिश पर ही पकता है। तो देखो कितना अंतर है, मराठी की भाषा में लिखी गई कविता देश की जमीन से जुड़ी हुई है, देश की जरूरत को बखान कर रही है, बारिश बारिश तुम जल्दी आओ, क्योंकि भारत में 60% जमीन पर अन्न पकता है वो बारिश से ही पकता है, 40% जमीन पर सिंचाई की दूसरी व्यवस्था है। तो यहाँ तो बारिश को बुलाने वाली कविता बच्चों को सिखानी पड़ेगी, ये बारिश को भगाने वाली अंग्रेजी कविता मत सिखाइए, फालतू अंग्रेजी चीजें मत सिखाइए बच्चों को। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन द माउथ फिर हा हा हा, ये क्या मूर्खता की अंग्रेजी की कविताएं आप सिखा रहे हैं। हिंदी की सुंदर सुंदर कविताएं, मराठी की, संस्कृत की, तमिल की, तेलुगु की, मलयालम की, ये सब सिखाइए ना बच्चों को। तो घर में बच्चों को इस तरह से बड़ा करिए, मातृभाषा की कविताएं, मातृभाषा की कहानियां। और आप ध्यान रखना, जब बच्चे को मातृभाषा की कविता आप सिखाएंगे, मातृभाषा की कहानी पढ़ाएंगे सुनाएंगे, वो 2-3 घंटे में याद कर लेगा। अगर अंग्रेजी में वही सिखाएंगे 2-3 महीने भी याद नहीं कर पाएगा, और जबरदस्ती उसको रटेगा और बार बार भूल जाएगा, फिर आप डंडा मार मार के उसको गधा बना देंगे। गधा भी बहुत अच्छा होता है, हमारे अंग्रेजी विद्यार्थी तो उससे भी गए बीते। परम पूजनीय स्वामी जी ने एक दिन हमको चाणक्य जी को पढ़ाया, तो उसमें बताया कि गधे से भी सीखो, तो गधा भी कितना ऊंचा है, यहां तो अंग्रेजी वाले उसके भी नीचे है, उससे क्या सीख सकते हैं हम अंग्रेजी वाले से, गधे से भी कुछ सीख सकते हैं, कुत्ते से भी सीख सकते हैं, घोड़े से भी सीख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी वाले से तो वही सीख सकते हैं, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। तो ये अंग्रेजी घर में से निकालो, जीवन में से निकालो। अंग्रेजी में कभी बातचीत मत करो, कोशिश करो कि अंग्रेजी के शब्द कम से कम आए, और अंग्रेजी बोलते समय कुछ गलती हो जाए तो शर्मिंदा मत होना कभी। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि हम लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ गलती हो जाती है, और होना वो स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं है, वो विदेशी भाषा है, उसमें गलती हो जाए तो कौन सी ऐसी खास बात है। इसलिए अंग्रेजी में कभी गलती हो जाए तो शर्मिंदा मत करना अपने आप पर। मुझे तो लगता है कि अंग्रेजी में गलती हो जाए तो गर्व करना,
क्योंकि वो मातृभाषा नहीं है हमारी, इसलिए गलती हुई तो क्या दिक्कत है उसमें, कभी भी गर्व करना उस पर। मातृभाषा बोलने में गलती हो जाए, राष्ट्रभाषा बोलने में गलती हो जाए तो शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। विदेशी भाषा बोलने में गलती हो जाए बिल्कुल शर्म नहीं करना। 1967 में सरकार ने जो कानून बनाया और जो कानून इतना खतरनाक है कि भारत का एक राज्य भी अगर मना कर दे तो हिंदी लागू नहीं हो सकती और अंग्रेजी हट नहीं सकती, इस कानून को जल्दी से जल्दी बदलवाना है और जरूरत पड़े तो संविधान के अनुच्छेद 343 में संशोधन कराना है और इसके लिए भारत स्वाभिमान की ताकत को बढ़ाना है। जिस दिन हमारी ताकत भारत की राजनीतिक पार्टियों की ताकत से बड़ी हो जाएगी, भारत की सब राजनीतिक पार्टियों के पास कुल मिलाकर 4 करोड़ सदस्य हैं, जिस दिन भारत स्वाभिमान में कुल मिलाकर 5 करोड़ सदस्य हो जाएंगे उस दिन ये कानून भी बदल जाएगा और संविधान में संशोधन भी हो जाएगा। तो हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि भारत स्वाभिमान की तरफ से संविधान में जरूरत पड़े तो संशोधन, कानून को तो पूरी तरह से बदल देना है जो 1967 में बना है और नीतियों को बदल देना है, नियमों को बदल देना है। भारत के अस्पतालों से अंग्रेजी हटानी है, भारत के विश्वविद्यालयों से अंग्रेजी हटानी है, भारत के कृषि संस्थानों से हटानी है, भारत के वैज्ञानिक संस्थानों से अंग्रेजी हटानी है, राजकाज के स्तर पर अंग्रेजी हटानी है, जहां जहां अंग्रेजी भाषा के रूप में उपयोग हो रही है उस सब जगह से अंग्रेजी को हटाना है। और इसके लिए हमारे पूरे भारत की 22 भाषाओं को बोलने वाले, जीने वाले और उसमें आचरण करने वाले लोगों की ताकत को खड़ा करना है, क्योंकि ये 22 भाषाओं के बोलने वाले नागरिकों की ताकत है जो अंग्रेजी को हटाएगी, ये 22 भाषाओं के बोलने वाले नागरिकों की हिम्मत है जो अंग्रेजी को भारत से भगाएगी, और ये 22 भाषाओं को बोलने वाले नागरिकों की हिम्मत है जिसके कारण से इस देश से अंग्रेजी को हम 7 समंदर पार वापस भेजेंगे। तो ये बोलकर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आह्वान करता हूं व्यक्तिगत जीवन से तुरंत अंग्रेजी को हटाइए, विदेशी भाषा की गुलामी को हटाइए। इस विदेशी भाषा की गुलामी ने बहुत लंबा समय हमारा ले लिया है जिसके कारण हम पिछड़ गए हैं। अब ज्यादा हम पिछड़ना नहीं चाहते, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। 118 करोड़ भारतवासियों की भाषा, उनकी मातृभाषा, उसको स्थापित करना है, उनको सम्मान दिलाना है, जीवन में उनको अपनाना है, हर स्तर पर उनको स्थापित कराना है। इसी के लिए सारा संघर्ष है और इसी के लिए सारा प्रयास है। ईश्वर हमको सद्बुद्धि दे, ईश्वर हमको साहस दे, ईश्वर हमको पूरी हिम्मत दे और हम सबकी एकता बनी रहे और आगे ये बढ़ती रहे और हम इस उद्देश्य में सफल हो पाएं। भारत स्वाभिमान का अभियान सारे देश में और दुनिया में ऐसा आदर्श स्थापित करे कि जिन शहीदों के सपनों को 1947 में पूरा नहीं किया गया, उन शहीदों के सपनों को 2014 में हम जरूर पूरा करके दिखाएं। इस भावना के साथ आपका आभार, बहुत धन्यवाद। 2014 में हम जरूर पूरा करके दिखाएं। इस भावना के साथ आपका आभार, बहुत धन्यवाद। 2014 में हम जरूर पूरा करके दिखाएं। इस भावना के साथ आपका आभार, बहुत धन्यवाद। 2014 में हम जरूर पूरा करके दिखाएं। इस भावना के साथ आपका आभार, बहुत धन्यवाद। 2014 में